तीसवां पारा सूरत नबा। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अम्मा यतसाअलून अनिन नबअल अज़ीम अल्लज़ी हुम फीहि मुख्तलिफून। ये लोग किस चीज के बारे में आपस में सवाल जवाब कर रहे हैं? उस बड़ी खबर के बारे में वो कि जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। इस सूरत में क़यामत के हक और बरहक होने के दलाइल और उसके कुछ हालात बयान किए गए हैं। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और रिसालत पर ईमान लाने की दावत के साथ साथ ये बताया कि एक दिन तुम मरने के बाद दोबारा जिंदा होकर अल्लाह सुब्हानहु ताला के सामने पेश किए जाओगे और तुम्हें तुम्हारे आमाल का बदला मिलेगा, नेक कामों की अच्छी जजा और बुरे कामों की सजा, तो लोगों ने, सुनने वालों ने आपस में सवाल जवाब शुरू कर दिए, चिरमिगोइयां शुरू कर दी कि क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या वाकई क़यामत आएगी? क्या ये पॉसिबल है? और फिर उस पर ये आयात नाजिल हुई कि ये लोग किस चीज के बारे में सवाल जवाब कर रहे हैं, उस बड़ी खबर के बारे में। क्योंकि हम आमतौर पर दुनिया में जब खबरें सुनते हैं तो एकदम आ जाता है ब्रेकिंग न्यूज, तो ये ब्रेकिंग न्यूज से भी बड़ी न्यूज है कि इंसान को ये मालूम होना चाहिए कि मरने के बाद एक दिन वो अपने रब के हुजूर हाजिर होगा, वो उसकी मंजिल है, वहां उसका अंजाम पता चलेगा, उसके मुताबिक असल जिंदगी शुरू होगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि इस मामले में हमारा यकीन निहायत पुख्ता हो। तो क़यामत के बारे में हर दौर में लोगों के मुख्तलिफ नजरियात रहे हैं। कुछ लोग तो सिरे से मानते ही नहीं कि दोबारा कोई ऐसा दिन होगा, कुछ लोग मानते हैं पर पूरा यकीन नहीं रखते। हाँ, सिर्फ मुत्तकी लोग वबिल आखिरति हुम यूकिनून यकीन रखते हैं। कोई कहता है कि मट्टी होने के बाद इंसान दोबारा भला कैसे बन सकता है, तो अकल के खिलाफ बात है। कुछ लोग कहते हैं कि जिस्म जिंदा नहीं होंगे बल्कि सब खुशी और गम रूह पर ही गुजरेगा, यानी आखिरत में जन्नत जहन्नम में सिर्फ रूह ही होगी, जिस्म नहीं होगा। लेकिन सही अकीदा क्या है कि अपने इंसान अपने जान जिस्म दोनों के साथ अल्लाह के हुजूर पूरी तरह हाजिर होगा, जैसे वो दुनिया में था ऐसे ही उसको अकल समझ शऊर दिया जाएगा और फिर अल्लाह सुब्हानहु ताला से मुलाकात होगी, वो हिसाब लेगा, वो पूछेगा कि तुमने काम कौन से काम किए और कौन से नहीं किए। कल्ला सयालमून, हरगिज नहीं, जल्द ही ये जान लेंगे। थुम्मा कल्ला सयालमून, फिर हरगिज नहीं, जल्द ही ये जान लेंगे, यानी मौत के साथ ही ये सारी हकीकतें इनको जल्द मालूम हो जाएंगी। जिस बारे में आज ये शक कर रहे हैं, कल ये उस पर पूरा यकीन कर लेंगे, लेकिन उस वक्त फिर कुछ करने का मौका ना होगा। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा व जअलना नौमकुम सुबाता। क्या हमने जमीन को एक बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे नहीं बनाया, और हमने तुम्हें जोड़ा जोड़ा बनाया और तुम्हारी नींद को हमने आराम का बायस बनाया। अल्लाह सुब्हानहु ताला लोगों को क़यामत का यकीन दिलाने के लिए, उनकी अकलों को झंझोड़ने के लिए अपनी कुदरत के चंद अजायब दिखा रहे हैं कि जिस रब ने ये सब कुछ बनाया उसके लिए तुम्हें दोबारा जिंदा करना आखिर मुश्किल क्यों हो? और ये सब निशानियां तुम्हारे आसपास मौजूद हैं। ये जमीन निशानी है, ये पहाड़ निशानी है, तुम्हारा मर्द और औरत की शक्ल में होना, एक जोड़े की शक्ल में होना, और तुम्हारा रातों को सो जाना और फिर दोबारा सुबह उठ जाना, ये भी एक निशानी है। तुम हर रोज एक मौत यानी एक मिनी मौत के तजुर्बे से गुजरते हो और फिर दोबारा जिंदा हो जाते हो सुबह के वक्त, तो क्या आखिरत में मरने के बाद तुम उठ ना सकोगे? यानी नींद तुम्हारी हर रोज मरने जीने का मंजर पेश करती है, ऐसे ही एक दिन मरने के बाद तुम कब्रों से उठा लिए जाओगे। और रात को हमने लिबास बनाया और दिन को हमने माश का वक्त बनाया और हमने तुम्हारे ऊपर सात मजबूत आसमान बनाए। यानी अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है कि अल्लाह ने हमारे सुकून का इंतजाम किया और उसके लिए अंधेरी रात बनाई। और रात को देर से सोना जो है ये एक खिलाफ फितरत अमल है, क्योंकि अल्लाह ने रात को सुकून के लिए बनाया तो हमें रात ही में असल सुकून मिलता है और सुकून पाना चाहिए। और इशा के बाद ज्यादा देर जागने की मुमानत की गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज से पहले सोते नहीं थे और इशा के बाद बातें नहीं करते थे, और खास तौर पर इशा के बाद लगव लहव गुफ्तगू करना नापसंदीदा है, क्योंकि उमर बिन खत्ताब इस पर लोगों को मारा भी करते थे कि तुम रात के अव्वल हिस्से में गप्पे मारते हो और आखिरी हिस्से में सो जाते हो, जबकि मोमिन के लिए
रात का पहला हिस्सा सोने के लिए है और आखिरी हिस्सा इबादत के लिए है। वबिल असहारी हुम यस्तगफिरून, और सहरी के वक्त वो इस्तगफार करते हैं। और हमने एक खूब रोशन चमकता चराग यानी सूरज बनाया, और हमने बदलियों से खूब बरसने वाला पानी बरसाया ताकि हम इसके जरिए अनाज और नबातात उगाएं, और घने बागात भी, यानी जिस तरह मट्टी से ये घने बागात निकल रहे हैं इसी तरह जमीन से मरने के बाद इंसान निकल आएंगे। इन यौमल फसल काना मीकाता, बेशक फैसले का दिन एक वक्त मुकर्रर है, उस दिन सूर में फूंक दिया जाएगा, तो तुम फौज दर फौज चले आओ, तो तुम फौज दर फौज चले आओगे, यानी अच्छाई और बुराई करने वाले को अगर अंजाम न मिले तो सब कुछ बेनतीजा है, इसलिए क्यामत का दिन लाजिम है ताकि तुमने जो कुछ किया है उसमें तुम्हारे सामने आ जाए, तुम्हारा अंजाम तुम्हारे सामने आ जाए। और यहाँ दूसरी दफा सूर फूंके जाने का जिक्र है जब लोग कब्रों से निकलकर ग्रो दर ग्रो मैदान हशर में आ जाएंगे, और आसमान खोल दिया जाएगा तो वो दरवाजे ही दरवाजे हो जाएगा, और पहाड़ चला दिए जाएंगे तो वो सराब हो जाएंगे। बेशक जहन्नम घात में है, सरकशों के लिए ठिकाना है। घात उस जगह को कहते हैं जहाँ किसी दुश्मन या शिकार पर काबू पाने के लिए ताक लगाई जाती, यानी जो शिकारी होता है वो छुप के बैठ जाता है ताकि शिकार आके फंस जाए। तो मुजरिमों के लिए जहन्नम एक छुपी हुई घात है जिसमें अचानक वो फंस जाएंगे। उन्हें दुनिया में इस बात का एहसास नहीं कि जो उन्होंने फसाद मचा रखा है या जो जुल्म ढा रहे हैं इसका एक दिन नतीजा भी निकलने वाला है, और मौत के बाद जब वो नतीजा सामने आएगा तो ऐसे ही जैसे कोई शिकारी शिकार को फांस लेता है। उसमें वो मुद्दतों पड़े रहेंगे, वो उसमें ना ठंडक का मजा चखेंगे और ना ही किसी पीने की चीज का। यानी जहन्नम में इंसान, जहन्नम खत्म होने वाली चीज नहीं, हमेशा हमेशा के लिए वो दहकती रहेगी, बल्कि उसमें लोग जो हैं वो एक सदी खत्म होने के बाद एक और शुरू हो जाएगी, एक और शुरू हो जाएगी, कभी ना खत्म होने वाला अजाब होगा। सिवाय खौलते पानी और बहती पीप के पूरा पूरा बदला मिलेगा। बेशक वो किसी हिसाब की उम्मीद न रखते थे, और उन्होंने हमारी आयात को पूरी तरह झुटला दिया, और हमने हर चीज को लिख कर शुमार कर रखा है, हमारे आमाल नामे में एक एक चीज लिखी हुई है। बस अब किए का मजा चखो, हम तुम्हें सिर्फ अजाब में ही ज्यादा करेंगे। यानी जहन्नम की आग जब धीमी होने लगेगी या उन्हें अजाब कम महसूस होने लगेगा तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाएगी ताकि अजाब किसी वक्त खत्म ना हो। बेशक मुत्तकी लोगों के लिए एक बड़ी कामयाबी है, बागात और अंगूर हैं, और उभरी छातियों वाली नौजवान हम उम्र लड़कियां, और छलकते हुए जाम, वो उसमें ना कोई बेहुदा बात सुनेंगे और ना कोई झूठी बात। यानी जन्नत की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत यह है कि आदमी के कान वहाँ कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, कोई फजूल बात नहीं सुनेंगे, कोई तकलीफ देने वाली बात नहीं सुनेंगे। दुनिया में तो आप देखें कि कोई किसी को झूठा कह रहा है, कोई किसी को कोई इल्जाम दे रहा है, गाली गलोच कर रहे हैं लोग, दंगा फसाद कर रहे हैं, लेकिन वहाँ ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, सब लोग अमन सुकून और इत्मीनान से रहेंगे। आप देखें कि अमूमन आपकी परेशानियां लोगों की बातों की वजह से ही होती हैं, लेकिन वहां कोई ऐसी बात सुनने को ही नहीं मिलेगी, लिहाजा नेमतें बढ़ती चली जाएंगी, कम नहीं होगी। ये आपके रब की तरफ से उनके नेक अमाल का बदला होगा जो काफी इनाम है, यानी अजीम बदला, अता अन हिसाबा। एक माना यह है कि हर छोटे बड़े अमल के हिसाब के मुताबिक बदला होगा, छोटे से छोटा अमल भी जाया ना होगा या ऐसा नहीं होगा कि जो हिसाब में ना आए। और दूसरा माना है काफी अतिया, यानी जैसे हम हस्बी अल्लाह कहते हैं, यानी इतना बदला होगा कि जिससे ज्यादा की ख्वाहिश नहीं होगी, यानी इंसान को जो मिलेगा उस पे रज जाएगा कि बहुत है, अब बहुत हो गया। दुनिया में इंसान का पेट किसी चीज से नहीं भरता, लेकिन वो इतना बड़ा बदला होगा कि इंसान मुतमईन, हर इंसान मुतमईन होगा। दुनिया में इंसान को जितना भी मिल जाता है वो मिलने के बाद इंसान सोचता है कि अभी और हो, लेकिन वहां बस बहुत हो गया। वो जो रब समावाती वल अर्द, वो जो आसमानों और जमीन और उन दोनों के दरमियान की हर चीज का रब है, वो रहमान है, जिससे बात करने का वो इख्तियार न रखते होंगे। जिस दिन रूहुल अमीन और फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे, वो कलाम न कर सकेंगे सिवाय उसके जिसे रहमान इजाजत दे और वो बात भी दुरुस्त करे। ये दिन बरहक है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले, जो चाहे
अपने रब की तरफ ठिकाना बना ले, यानी जब इस दिन का आना यकीनी है तो इंसान को चाहिए कि अपने रब को मुंह दिखाने के काबिल बने और उसके पास ठिकाना बनाने के लिए अभी से दुनिया में ही तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि मरने के बाद इसका मौका नहीं मिलेगा। इन्ना अंदरनाकुम अज़ाबन क़रीबा, बेशक हमने तुम्हें करीब के अज़ाब से खबरदार कर दिया है। उस दिन इंसान देख लेगा जो उसके दोनों हाथों ने आगे भेजा और काफिर कहेगा ए काश मैं मट्टी होता। सूरतुन नाज़िआत والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا, उन फरिश्तों की कसम जो डूब कर सख्ती से रूह खींचने वाले हैं, और उन फरिश्तों की कसम जो आसानी से बंद खोलने वाले हैं और जो तेजी से तैरने वाले हैं। ये उन फरिश्तों की सिफात बयान की जा रही हैं कि जो रूह निकालते हैं इंसान की मौत के वक्त। कुछ लोगों की रूह बहुत सख्ती से खींच के निकालते हैं क्योंकि वो रूह अंदर जिस्म में छुपती है गुनाहगार होने की वजह से, लेकिन दूसरे फरिश्ते मोमिन की जान सहूलत से निकाल लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि रुखसत हो गया। और फिर जब ये फरिश्ते रूह निकाल लेते हैं तो तेजी के साथ पलक झपकते ही आसमान की तरफ इसको ले जाते हैं। फस्साबिकात सबका, फिर जो दौड़ कर सबकत करने वाले हैं यानी अल्लाह का हुक्म मिलते ही दौड़ पड़ते हैं। फलमुदब्बिरात अमरा, फिर जो किसी काम की तदबीर करने वाले हैं। यौम तरजुफुर राजिफा, जिस दिन कांपने वाली कांपेगी यानी जमीन खूब कांपना शुरू कर देगी, जबरदस्त जलजले होंगे। पीछे आने वाली उसके पीछे आएगी यानी एक झटके के बाद दूसरा। कुछ दिल उस रोज धड़कते होंगे, उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी। ये लोग कहते हैं क्या वाकई हम पहली हालत में लौटाए जाने वाले हैं, क्या जब हम बुसीदा हड्डियां हो चुके होंगे। कहने लगे तब तो ये वापसी बड़े खसारे की है, बस वो तो सिर्फ एक ही डांट होगी, तो अचानक वो खुले मैदान में होंगे। क्या आपके पास मूसा की खबर आई है जब उसके रब ने उसे दुआ की मुकद्दस वादी में पुकारा। फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम की मदियन से वापसी का किस्सा है। जब वो आग की तलाश में कोहे तूर पे पहुँच गए तो वहाँ एक दरख्त की ओट से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। वकुल हल लका इला अंत जक्का, यानी मिस्र वापस जा रहे थे तो उन्हें फिरौन की तरफ भेजा गया पैगंबर बनाकर, और साथ हिदायत दी गई कि वहां जाकर क्या करना है, और कहना कि क्या तू चाहता है कि तू पाक हो जाए और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं ताकि तू डर जाए। यानी इन अल्फाज में तुम फिरौन से खिताब करना, यानी इसमें आप देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम को सवाल सिखाया गया। ये नहीं कहा गया कि तुम ये कर लो और तुम ये कर लो, बल्कि सवालिया अंदाज में ताकि जमीर को झंझोड़ा जाए, सोचे वो कि जिस चीज की ये दावत दे रहे हैं वो बहुत काम की चीज है। वअराहुल आयत अलकुबरा, चुनाचे उसने उसे एक बहुत बड़ी निशानी दिखाई, फिर भी उसने झुटला दिया और नाफरमानी की। फिर वो दौड़ भाग करते हुए वापिस पलटा, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी सदाकत के दलाइल पेश करने के लिए असा और यद बैजा चमकता हाथ दिखाया और असा फेंका जो यानी था लाठी लेकिन बन गया सांप। वह शरफन आदा, फिर उन्होंने समझा कि शायद ये जादू है या जादू के बल पे ये कर रहे हैं, तो उसने सारे जादूगरों को इकट्ठा कर लिया। फिर उसने सबको इकट्ठा किया, फिर पुकारा तो बोला मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। तो अल्लाह ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया, उसे निशाने इबरत बना दिया, और क़यामत का अजाब तो इसके अलावा है। इन्ना फी ज़ालिका लइबरतन लिमन यख्शा, बेशक इसमें यकीनन इबरत है उस शख्स के लिए जो डरता हो। अअन्तुम अशद्दु खल्क़न अमिस्समाउ बनाहा, क्या तुम्हारा पैदा करना ज्यादा मुश्किल है या आसमान का जिसे उसने बनाया। यानी इंसान को पैदा करना बड़ी बात नहीं कायनात पूरी बनाने के मुकाबले में, लिहाजा तुम्हें दोबारा पैदा करना अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं। रफा सम कहा फसवाहा, उसी ने उसकी छत को बुलंद किया फिर उसे दुरुस्त किया, और उसी ने उसकी रात को तारीख बनाया और उसकी धूप को निकाला, और इसके बाद उसने जमीन को फैला दिया, उसी ने इसमें उसका पानी और चारा निकाला, और पहाड़ों को उसने मजबूत गाड़ दिया। ये सब तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए फायदे का सामान है। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत यानी क़यामत आ जाएगी, उस दिन इंसान याद करेगा जो उसने कोशिश की होगी। यानी दुनिया में हम जिस चीज के लिए भी भाग दौड़ कर रहे हैं, ये सब चीजें हमारी आंखों के सामने आएंगी कि हमने आना तो यहाँ था और हम काम किसके लिए करते रहे, सिर्फ दुनिया के लिए।
और जहन्नम हर उस शख्स के लिए जाहिर कर दी जाएगी जो देखता हो, खुली आंखों से जहन्नम को देखेगा। तो रहा वो जिसने सरकशी की और उसने दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी, तो बेशक जहन्नम ही उसका ठिकाना है। और रहा वो जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और उसने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, यानी रब से डर कर उसने गुनाह छोड़ दिए। ये बहुत बड़ी कंडीशन है जन्नत में जाने की, कि रब का डर हो और रब के डर से इंसान गलत चीजें छोड़े, ना कि इंसानों के डर से। हम बाज़ुकात लोगों के डर से कुछ चीजें छोड़ देते हैं, लेकिन रब का डर हमें नहीं छुड़ाता। तो यहाँ पर इंसान को बताया गया है कि कामयाब वो है जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को कंट्रोल कर लिया। वनहन नफ्सा अनिल हवा, यानी जब आप कोई दुरुस्त काम करना चाहे तो अपनी ख्वाहिश को पहचान कर उसकी मुखालफत करें। फुजैल कहते हैं, तमाम आमाल में सबसे अफजल अमल ख्वाहिश की मुखालफत करना है, यानी जिस अच्छे काम को, नेकी के काम को दिल ना चाह रहा हो करने का, आप अपने नफ्स के खिलाफ जाकर नफ्स को कंट्रोल करके वो काम करें, अपने आप से मनवाएं। और होगा ये कि पहले कुछ दिन आपको मुश्किल लगेगा, फिर आप उसके आदि हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों का फिर अंजाम क्या होगा? फइन्नल जन्नत ही अल्मावा, तो यकीनन जन्नत ही उसका ठिकाना है। ये लोग आपसे क़यामत के बारे में सवाल करते हैं कि कब इसका ठहरना है, इसके जिक्र से आप किस ख्याल में हैं? आपके रब के पास उसके इल्म की इंतहा है, बेशक आप तो सिर्फ इसे खबरदार करने वाले हैं जो उससे डरता है। गोया कि जिस दिन वो उसे देखेंगे तो कहेंगे वो दुनिया में सिर्फ दिन का पिछला पहर या पहला पहर ही ठहरे थे। दुनिया की ये लंबी लंबी जिंदगी 80 साल 90 साल, ये दिन का एक अगला हिस्सा या पिछला हिस्सा, सुबह या शाम लगेगा, एक पूरा दिन भी महसूस नहीं होगा, क्योंकि आखिरत का तो सिर्फ क़यामत का दिन ही 50,000 साल के बराबर है। अगर उसकी निस्बत से भी देखे तो ये दिन का एक हिस्सा भी नहीं बनता जितनी जिंदगी हमारी दुनिया की है। तो प्यारी बहनों, ये सोचने की बात है कि हम इस दुनिया की जिंदगी, जिसके बारे में हमें यकीन भी नहीं कि हम कितने दिन रहेंगे, बहुत ही बेयकीनी की हालत में हम सब रह रहे हैं, किसी दिन भी वापसी का बुलावा आ जाएगा, और उसके मुकाबले में आखिरत जो कभी खत्म ही नहीं होनी। तो हम सब सोचे, अपने आप से पूछे कि हमारे पास वो क्या चीज है कि जो हमें रोजाना इसी सबक याद कराए, और ये वो कुरान है, लेकिन कुरान से तो हमारा ऐसा ताल्लुक ही नहीं होता कि हमने यहाँ कम रहना है और आगे जाके रहना है, आगे की तैयारी करो। जिस शख्स को सफर दरपेश हो और फिर वो उसकी तैयारी ना करे तो वो मंजिल पे नहीं पहुंच सकता, वो मंजिल नहीं पा सकता। हम सबको आखिरत का सफर दरपेश है, हम यहाँ रहने वाले नहीं है, तो टेम्परेरी है, हम तो ट्रांजिट में है, कहीं से आए हैं चंद दिन यहाँ गुजारने और फिर असल मंजिल की तरफ लौट जाना है। वहां के लिए हमने क्या तैयार किया है, उसके लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं, ये हम सब के सोचने की बात है, और ये अपने लिए सोचने की, किसी पर कोई एहसान नहीं। सूरत अबस, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबस वतवल्ला अन जाअहुल आमा वमा युद्रीक लअल्लहु यज़्ज़क्का। उसने तेवरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया इसलिए कि उसके पास एक नाबीना आया, और क्या खबर आपको, शायद कि वो पाकीजगी हासिल कर लेता। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अशराफ कुरैश बैठे हुए थे, कुरैश के बड़े बड़े सरदार बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और आप उनसे मशगूल थे और इस उम्मीद पर उनसे बातचीत कर रहे थे कि शायद ये मुसलमान हो जाए बात समझकर, कि अचानक मजलिस में इब्ने उम्मे मक्तूम जो नाबीना थे वो तशरीफ ले आए और आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन की बातें पूछने लगे, क्योंकि उन्हें तो नजर नहीं आ रहा था यहाँ कौन बैठा हुआ है और पहले से क्या हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर कुछ नागवारी से महसूस की और कुछ थोड़ी सी तवज्जो न दी, तो अल्लाह सुब्हानहु ताला की तरफ से ये आयात नाजिल हो गई। औ यज़्ज़क्करु फतन्फ़अहु ज़िक्रा, या वो नसीहत हासिल करता तो नसीहत उसे फायदा देती, रहा वो जिसने बेपरवाही बरती तो आप उसकी तरफ पूरी तवज्जो करते हैं, यानी जो सुनना नहीं चाहते आप उनको सुनाते हैं और जो सुनना चाहता है आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, हालांकि आप पर कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो पाक नहीं होता, यानी जो दीन की तरफ नहीं आता, नहीं सुनना चाहता, नहीं समझता, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं कि आप जबरदस्ती उसको सुनवाएं। और रहा वो जो आपके पास दौड़ता हुआ आया है और वो अल्लाह से डरता है, तो आप उससे बेरुखी बरतते हैं? हरगिज नहीं। कल्ला इन्नहा तज़किरा, बेशक ये कुरान तो एक नसीहत है। वमन शाअ ज़करा, बस जो चाहे इससे नसीहत हासिल कर ले, यानी आइंदा ऐसा ना करने का हुक्म दिया जा रहा है। कुरान इल्म सीखने वालों
और इल्म से नसीहत हासिल करने वालों की कदर अफजाई करता है। और दाई के लिए सबक यह है कि तबलीग में सब लोगों को एक जैसा मकाम देना चाहिए, चाहे कोई साहिब हैसियत हो, चाहे कोई बेहैसियत हो, किसी का स्टेटस हो या ना हो, अमीर हो या गरीब हो, आका हो या गुलाम हो, मर्द हो या औरत हो, छोटा हो या बड़ा हो, सबको यकसा हैसियत दी जाए, सबको मुश्तरक खिताब किया जाए। ये कुरान क्या है, कहाँ है? फी सुहफ मुकर्रमा मरफूअत मुतहरा बिअयदी सफरा किराम बररा, काबिल एहतराम सहीफों में महफूज है जो बुलंद मरतबा निहायत पाकीजा है, ऐसे लिखने वालों के हाथों में है जो मुअज्जज़ हैं, नेकोकार हैं। यानी कुरान लोहे महफूज में है, वहीं से ये उतरता है और ये सहीफे अल्लाह के यहाँ बड़े मोहतरम हैं, इल्म हिकमत से भरपूर हैं। और फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह और रसूल के दरमियान एक सफीर की हैसियत रखते हैं जो वहाँ से लेकर आते हैं। और यहाँ हामिले कुरान की कुछ सिफात बयान हुई कि उनकी जिस्मानी साख भी बहुत आलिशान है जो फरिश्ते लेकर आए हैं, बहुत अच्छी और बुलंद मर्तबा और मंजिलत वाली शख्सियत है उनकी, उनके अखलाक और आमाल नेक और पाक और कामिल हैं। तो इससे पता चलता है कि हामिले कुरान को भी ऐसे अखलाक अपनाने चाहिए और कुरान का माहिर मुअज्जज़ ऐसे मुअज्जज़ फरिश्तों के साथ होगा। قتل الانسان ما اكفره من اي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره, मारा जाए इंसान किस कदर ना शुक्रा है, किस चीज से उसने इसे पैदा किया, एक नुतफे से उसने इसे पैदा किया, फिर इसका अंदाजा मुकर्रर किया। यानी हकीर कतरे से पैदा होने वाले इंसान को तकब्बुर और नाशुक्री कैसे जेब दे सकती है। ثم السبيل يسرا, फिर उसके लिए रास्ता आसान किया यानी माँ के पेट से बाहर आने का। ثم اماته فاقبرا, फिर उसे मौत दी और फिर उसे कब्र में पहुँचाया, यानी दुनिया में आने से पहले भी माँ का पेट भी कब्र ही की तरह शेप भी आप देखें, और फिर जब दुनिया में आ जाता है तो अपना वक्त पूरा करके दोबारा कब्र में चला जाता है, एक अंधेरे से आया और दूसरे अंधेरे में चला गया। फिर जब वो चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा, यानी क़यामत का दिन आएगा तो इस कब्र से फिर निकालेगा। ये क्यों बात की जा रही कि जैसे तुम माँ के पेट से बाहर आ गए हो ना, कितना तंग रास्ता होता है, रब ने तुम्हें पैदा किया निकाला, इसी तरह दोबारा तुम फिर कब्र में जाओगे तो वहां से भी वो निकाल के बाहर ले आएगा, उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, हरगिज नहीं। अब तक उसने वो काम पूरा नहीं किया जिसका उसने उसे हुक्म दिया था, बस चाहिए कि इंसान अपने खाने की तरफ देखे, बेशक हमने खूब खूब पानी बरसाया यानी अब खाने की निशानी को देखे, फिर हमने जमीन को खूब अच्छी तरह फाड़ा, फिर हमने उसमें गल्ला उगाया और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूर के दरख्त और घने बागात और फल और चारा तुम्हारे फायदे के लिए और तुम्हारे मवेशियों के लिए, फिर जब कान बहरे कर देने वाली सख्त आवाज आएगी उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, उस दिन इंसान भागेगा किससे, अपने भाई से और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से, उनमें से हर एक की उस दिन ऐसी हालत होगी जो उसे दूसरे से बेपरवाह कर देगी, यानी कोई किसी को नहीं पूछेगा। दुनिया में तो इंसान का हाल ही होता है कि जब कोई मुश्किल वक्त आए तो वो इन रिश्तों की तरफ दौड़ता है, एक ना हो तो दूसरा, दूसरा ना हो तो तीसरा, तीसरा ना हो तो कोई और, लेकिन वहां पर कोई रिश्ता काम नहीं आएगा, हर इंसान को अपनी पड़ी होगी। वजूह यौमइज़िन मुस्फिरा दाहिकतुम मुस्तबशिरा, कुछ चेहरे उस दिन रोशन होंगे, हंसते हुए खुशखबरी पाने वाले हशाश बशाश होंगे, यानी क़यामत के दिन अहले ईमान के चेहरों से खुशी जाहिर हो रही होगी, वो अपने अच्छे आमाल को देखकर जो कबूल हो गए खुश हो रहे होंगे, उनके चेहरे चमक रहे होंगे, खुशी से टमटमा रहे होंगे और वो एक दूसरे को देखकर भी खुश हो रहे होंगे जो उन्हीं जैसे लोग होंगे। वह वजूह हुई यौमइज़िन अलैहा गबरा, और कुछ चेहरे उस दिन उस उन पर गुबार होगा, स्याही उन पर छा रही होगी, यही लोग काफिर व फाजिर हैं, यानी कुफर की हालत में जिसकी मौत होगी क़यामत के दिन उसका चेहरा फिर स्याह होगा। सूरतु तकवीर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ शम्सु कुव्विरत व इज़ नुजूमु कदरत व इज़ जिबालु सुय्यिरत, जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जैसे सर पे पगड़ी को लपेटा जाता है ना, तैसे रोल कर दिया जाएगा।
उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। वइज़न नुजूमुन कदरत, और जब सितारे बेनूर हो जाएंगे, यानी सितारे झड़कर गिर जाएंगे, आसमान पर उनका वजूद ही नहीं होगा। वइज़ल जिबाल सुय्यिरत, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, यानी उन्हें जमीन से उखेड़ कर रेजा रेजा करके हवाओं में चला दिया जाएगा, और वो धुनी हुई रंगीन रुई की तरह उड़ते नजर आएंगे। क्या मंजर होगा! आसमान फट चुका होगा, सितारे टूट चुके होंगे, सूरज लपेटा जा चुका होगा, जमीन हिल रही होगी। क्या आलम होगा उस दिन! हम सबको वो दिन देखना है। जो अकलमंद है वो जो उसकी इतनी तैयारी करें कि उठे तो खुश होकर उठे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे सो के जब जागते हैं तो एकदम स्माइल करते, खुशी खुशी उठते हैं, और कुछ रो रहे होते हैं कि क्यों उठा दिया। वह इज़ल इशारु उत्तिलत, और जब 10 माह की हामिला ऊँटनियाँ बेकार छोड़ दी जाएंगी, और जब वहशी जानवर इकट्ठे कर दिए जाएंगे, और जब समुन्दर भड़का दिए जाएंगे, यानी क़यामत की हौलनाकी के बायस कोई अपनी हामिला ऊँटनी की भी परवाह नहीं करेगा, जो अरबों के नजदीक इंतहाई कीमती माल था, यानी और फिर सारे जानवरों को भी क़यामत के दिन इकट्ठा कर लिया जाएगा। वही धन नफूस जुविजत, और जब जाने जिस्मों से मिला दी जाएंगी, या अपने हम मजहब लोगों के साथ लोगों को मिला दिया जाएगा, यानी हर अमल करने वाले को उस जैसे और उसके हम मिसल के साथ मिला दिया जाएगा, यानी जो जिस कैटेगरी से ताल्लुक रखता होगा उसी के साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में मोहब्बत करते हैं उनको जन्नत में मिला दिया जाएगा, जो शैतान की इताअत में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं उनको जहन्नम में मिलाया जाएगा। तो आदमी क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे वो दुनिया में मोहब्बत करता होगा, ख्वाह वो ये चाहता हो या ना चाहता हो। तो इस लिहाज से भी अपना जायजा लेने की जरूरत है कि हमारी मोहब्बतें किन लोगों के साथ हैं। वह इदल मऊदत सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन क़ुतिलत, और जब जिंदा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जाएगा वो किस गुनाह की वजह से मारी गई, और जब आमाल नामे फैला दिए जाएंगे, मौत के वक्त हमारे आमाल नामे सहीफे लपेट दिए जाएंगे, लेकिन क़यामत के दिन दोबारा खोल के पकड़ा दिए जाएंगे। और जब आसमान की खाल उतार दी जाएगी, और जब जहन्नम भड़का दी जाएगी, यानी जिस तरह छत उधेड़ी जाती है ऐसे ही आसमान की छत उधेड़ दी जाएगी, आसमान नजर नहीं आएगा। और जब जन्नत करीब ले आई जाएगी, और हर शख्स जान लेगा जो वो लेकर आया होगा, जो पूंजी उसके पास होगी उसको नजर आ जाए, सब मिल जाएगा हाथ में वापस, और सिर्फ वो आमाल काबिले कबूल होंगे जो अल्लाह की रजा के लिए किए गए, खालिस उसके लिए और उसकी सुन्नत के मुताबिक, बाकी सब गिर जाएंगे। बस नहीं, मैं कसम खाता हूँ पीछे हट जाने वाले सितारों की, जो चलने वाले हैं, छुप जाने वाले हैं, और रात की जब वो रुखसत होती है और सुबह की जब वो सांस लेती है, यानी किसी भी चीज को दवाम नहीं, हर चीज जा रही है। पलटते सितारे हर रोज क्या पैगाम दे रहे हैं, डूबता सूरज हर रोज क्या पैगाम देता है, पलटता चांद क्या पैगाम देता है, कि ये जिंदगी भी आरजी है और एक दिन सबको वापिस जाना है। और इसके साथ साथ ये कि इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, यकीनन ये एक मुअज़्ज़ज़ पैगंबर का कौल है, यानी जिस रब ने ये सारी तखलीक की उसी ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और कुरान दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कुव्वत वाला है, अर्श वाले के नजदीक बुलंद मर्तबा है, मुताइन थम्मा अमीन, वहां वो इताअत किया जाता है, अमानतदार है, और तुम्हारा साथी कोई मजनून नहीं है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर किसी किस्म का जुनून नहीं, और यकीनन उसने इस जिब्रील को आसमान के खुले किनारे पर देखा है। ये अहले मक्का से खिताब है कि तुम्हारे साथी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम जो दीवाना कहते हो वो दीवाना नहीं, कुरान पढ़कर तो देखो कि क्या दीवाने ऐसी बातें करते हैं कि जिसमें ऐसी हकीकतें बयान की गई हों और गुज़श्ता अक़वाम के सही सही हालात बताए गए हों। और यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए कुरान मिलने और फिर उनको देखने के बारे में बात हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखा भी था, और यही फर्क है हम में और पैगंबर में कि हम फरिश्तों को नहीं देख सकते लेकिन उनको अल्लाह ताला दिखाता है। इंसानों को तो फरिश्ते नजर आएंगे मौत के वक्त अचानक नजर आ जाएंगे, नेक अमल हुए तो नेक फरिश्ते आएंगे, ऐसे फरिश्ते आएंगे जो सलाम करेंगे, खुशखबरी देंगे, और अगर आमाल बद हुए तो फिर ऐसे फरिश्ते आएंगे जो आके मार पिटाई शुरू कर देंगे कि निकलो यहाँ से, जान को निकालो अपनी जान। वमा हुआ अलल गैबी बिदनीन, और वो गैब के इल्म पर हरगिज बखील नहीं, यानी पैगंबर अलैहिस्सलाम को जो मिलता है वो सब दिए जा रहे हैं, और ये किसी शैतान मरदूद का कौल नहीं। फिर तुम किधर जा रहे हो, यानी कुरान की तरफ तवज्जो क्यों नहीं करते?
یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، یہ صرف مومنوں کے لیے نہیں سب کے لیے نصیحت ہے، اس کے لیے جو تم میں سے سیدھا چلنا چاہتا ہو، صراط مستقیم پر چلنا چاہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کو تھام لے، اور تم نہیں چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، یعنی تمہاری چاہت اللہ کی توفیق پر منحصر ہے، جب تک تمہاری چاہت کے ساتھ اللہ کی مشیت اور اس کی توفیق شامل نہیں ہوگی اس وقت تک تم سیدھا رستہ اختیار نہیں کر سکتے۔ سورۃ الانفطار، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، ٹوٹ کے گر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یعنی اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی ہیبت سے آسمان پھٹ جائیں گے، فرشتے نیچے اتر آئیں گے، اور سمندر بھی بھڑک اٹھیں گے، اور جب قبریں الٹ دی جائیں گی، یعنی قبروں سے مردے زندہ نکل کر باہر آ جائیں گے، یا ان کی مٹی پلٹ دی جائے گی، ہر شخص جان لے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، یعنی ہر انسان کو اپنے اعمال کا بتا دیا جائے گا، یعنی ہر انسان جو بھی عمل کرتا ہے کچھ کر لیتا ہے اور کچھ چھوڑ دیتا ہے، یعنی انسان جو بھی اچھا یا برا عمل کر کے آگے بھیج رہا ہے، ہر دن ہم اپنے اعمال آگے بھیج رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، صبح سے لے کے رات تک ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سب لکھا جاتا ہے، اور شام کے وقت فرشتے جو ہیں اس کو لے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور رات کے فرشتے آ جاتے ہیں، وہ ساری رات کے اعمال کو لکھتے ہیں اور صبح لے کے چڑھ جاتے ہیں۔ یہ سارے اعمال ہمارے آگے جا رہے ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کیا وہ چلا گیا۔ ما قدمت، اور جن کاموں کو کرنا چاہیے تھا اور نہیں کیا وہ پیچھے رہ گئے، یعنی نماز نہیں پڑھی، پڑھنی چاہیے تھی نہیں پڑھی، یا کوئی اور فرض اس کو ادا کرنا تھا، کوئی وعدہ پورا کرنا تھا نہیں کیا، تو اس لحاظ سے وہ یعنی ما قدمت و اخرت وہ سب اس کو نظر آ جائیں گے نامہ اعمال میں۔ پھر اسی طرح وہ کام جن کو پرائرٹی پر رکھا، اور جن کا وہ کام جن کو پیچھے چھوڑ دیا، پیٹھ پیچھے پھینک دیا، بلا دیا، اگنور کر دیا، وہ سب بھی پورا اعمال نامہ ترتیب وار تاریخ وار انسان کے سامنے آ جائے گا، اور وہ بتائے گا کہ یہ وہ چیزیں تھیں کہ جس کو یہ جن کاموں کو یہ بڑی اہمیت دیتا تھا، جو دن رات کر رہا تھا، اور یہ وہ کام ہے کہ جن کو وہ چھوڑے ہوئے تھا۔ اور پھر ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ اچھے برے جو اعمال اس نے اپنی زندگی میں کیے وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، اور وہ اعمال بھی لکھے جائیں گے جن کے اثرات وہ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے۔ آپ دیکھیں کہ ہر انسان کا ایک امپریشن ہوتا ہے، یعنی ہر انسان جو بھی اپنا امپریشن چھوڑتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے، یعنی مثلاً آپ کسی سے غصے سے بات کرتے ہیں، بد اخلاقی سے بات کرتے ہیں، تو اس پر آپ کا جو امپریشن پڑتا ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتا ہے، یعنی آپ کے اعمال صرف وہ نہیں جو آپ خود کر رہے ہیں، آپ کے اعمال وہ بھی ہیں جن کے اثرات دوسروں پہ پڑ رہے ہیں، اور اس سے ان کی زندگیاں، مثلاً ماں اور باپ جب آپس میں لڑائیاں کرتے ہیں، اور اس کے اثرات جو بچوں پر ہوتے ہیں، اور جو ان کی زندگی جہنم بنتی، وہ بھی لکھے جا رہے ہیں، وہ بھی ساتھ جمع ہوتے ہیں، اور وہ بھی اعمال نامے کا حصہ بنیں گے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب کریم کے بارے میں دھوکا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہ جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تجھے درست کیا، پھر تجھے متناسب بنایا، جس صورت میں اس نے چاہا تجھے جوڑ دیا، ہرگز نہیں بلکہ تم بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو، یعنی قیامت کے دن کو نہیں مانتے، وہ یعنی مانتے بھی ہیں تو ہاں بس ایک خیال ہے، ہوگی بس ہوگی، جب آئے گی دیکھا جائے گا، یہ نہیں مانتے کہ وہ واقعی یقینی حق ہے، اور اس کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ کسی بھی بات کو ماننے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کے مطابق اپنا طرز عمل درست کرے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، اور یقیناً تم پہ نگران مقرر ہیں جو معزز ہیں، لکھنے والے ہیں، یعنی ہر انسان کے ساتھ یہ فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے ہر ہر عمل کو، یعنی حتیٰ کہ آپ اپنے ٹیکسٹ میسج میں ایک ڈاٹ بھی ٹائپ کرتے ہیں تو وہ بھی وہ لکھ لیتے ہیں، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب تیرا فلاں بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ باوجود اس کے خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، فرشتے سے فرماتا ہے اس کی نگرانی کرتے رہو، اگر یہ گناہ کر بیٹھے تو صرف اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے کیا، اور اگر گناہ چھوڑ دے، ارادہ کیا لیکن چھوڑ دیا، نہیں کیا، تو اس کے لیے نیکی لکھ دینا،
क्योंकि इसने गुनाह मेरी वजह से छोड़ा। अगर अल्लाह की खातिर छोड़ा तो फिर लिखा जाता है, यानी फिर गुनाह नहीं लिखा जाता, नेकी लिखी जाती। लेकिन अगर लोगों के डर से छोड़ा तो फिर वो नेकी नहीं लिखी जाती। यालमूना मा तफअलून, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। इन्नल अब्रार लफी नईम, यकीनन नेक लोग राहतों में होंगे। व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और बेशक बदकार लोग यकीनन जहन्नम में होंगे। यस्लौनहा यौमद्दीन, वो बदले के दिन उसमें जलेंगे। व मा हुम अन्हा बिगाइबीन, और वो कभी उससे गायब होने वाले ना होंगे। व मा अदराक मा यौमद्दीन, और क्या चीज खबर दे आपको कि बदले का दिन क्या है। थुम्मा मा अदराक मा यौमद्दीन, फिर क्या चीज खबर दे आपको कि बदले का दिन क्या है। ये बार बार सवाल इसलिए किया जा रहा है कि इंसान इसके बारे में संजीदगी से सोचे कि क्या है वो दिन, बदले का दिन, बदले मिलेंगे। जी हाँ, यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौम इज़िन लिल्लाह, उस दिन कोई शख्स किसी शख्स के लिए किसी चीज का मालिक न होगा, और हुक्म उस दिन सिर्फ अल्लाह ही का होगा। दुनिया में अल्लाह ताला ने फिर भी इंसान को कुछ इख्तियारात दिए हैं, लेकिन क़यामत के दिन सारे के सारे इख्तियारात अल्लाह सुबहानहू ताला के पास होंगे, और फैसला सिर्फ उसकी मर्जी के मुताबिक होगा। सिफारिश करने वालों को सिफारिश का हक उस वक्त दिया जाएगा जब अल्लाह का इज़्ज़न होगा, और उनकी सिफारिश भी अल्लाह ताला उस वक्त कबूल करेगा जब वो चाहेगा। लिहाजा सारे इख्तियारात अल्लाह के पास हैं, किसी बुजुर्ग के पास और किसी बड़े के पास नहीं है कि वो आपको वहाँ अपनी मर्जी से अल्लाह पे जोर डाल के छुड़ा ले। सूरतुल मुतफ़िफ़ीन, वैलुल लिल मुतफ़िफ़ीन الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون, बड़ी हलाकत है नाप तोल में कमी करने वालों के लिए, वो लोग के जब लोगों से नाप कर लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं। वो इजा कालूहुम अव वजनूहुम युखसिरून, और जब वो उन्हें नाप कर या तोल कर देते हैं तो कम देते हैं, लेने की दफा पूरा पूरा लेते हैं और देते हुए डंडी मारते हैं। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, क्या ये लोग यकीन नहीं रखते कि मरने के बाद वो दोबारा उठाए जाने वाले हैं। याद रखिए, नाप तोल में कमी करना बहुत बड़ी अखलाकी बीमारी है। हदीस में आता है कि वजन अमानत है, नाप अमानत है, और नाप तोल में कमी का वबाल इंसान को दुनिया में भी देखना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लोग नाप तोल में कमी करते हैं तो उन्हें कहत सालियां, सख्त तकलीफें और बादशाहों के जुल्म दबोच लेते हैं। एक और रिवायत में आता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं, और मकर और धोखा आग में होंगे। तो याद रखिए कि किसी भी किस्म की डीलिंग में, एक तो है ना खरीदो फरोख्त में जो लोग बिजनेस करते हैं और उनका लेन देन हो रहा होता है, लेकिन उसके अलावा भी हमें लोगों के हुकूक पूरे पूरे अदा करने की जरूरत है। जब अपना हक लेने की बारी आती है, मैं माँ हूँ, मेरी कदर करो, मेरी इज्जत करो, तुम मेरी परवाह नहीं करते, लेकिन जब बच्चे का हक देने की बारी थी या है तो वो हमें भूल गया कि इसके भी कुछ हुकूक हैं। इसी तरह शौहर का हक, यानी हम खवातीन अक्सर इस बात का गिला शिकवा करती रहती हैं और नारे तक लगाती रहती हैं कि हमें हमारे हुकूक दें, जबकि हुकूक नारों से कभी नहीं मिलते। हमें इस चीज पर ज्यादा फोकस करना चाहिए कि हम हुकूक देने वाले बने। हर शख्स अगर देने वाला बनेगा तो सबको हुकूक मिल जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ लेने के रवादार होते हैं, देने के नहीं। नतीजतन कोई चीज सामने नहीं आती। लियौमिन अज़ीम, एक बड़े दिन के लिए। यौम यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, उस दिन सब लोग तमाम जहानों के रब के सामने खड़े होंगे, कोई कहीं छुपा हुआ भी नहीं होगा। कल्ला इन्ना किताबुल फुज्जारी लफी सिज्जीन, हरगिज नहीं, बेशक बदकारों की किताब आमाल यकीनन सिज्जीन में है। और आपको क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है। सिज्जीन सिजन से है, सिजन कहते हैं कैद खाने को, जेल को, और सिज्जीन कैद खाने की तरह एक नहायत तंग और तारीक जगह है। बास कहते हैं कि ये जमीन के सबसे निचले हिस्से में एक जगह है जहाँ काफिरों, जालिमों, मुशरिकों की रूहें और उनके आमाल नामे जमा और महफूज होते हैं, और इसीलिए उसे लिखी हुई किताब करार दिया गया। आगे किताब मरकूम, लिखी हुई एक किताब है। वैलु यौमइज़िन लिल्मुकज़्ज़िबीन, हलाकत है उस दिन झुटलाने वालों के लिए, यानी जो यौमुद्दीन को झुटलाए। अल्लज़ीना युकज़्ज़िबूना बियौमिद्दीन, वो लोग जो बदले के दिन को झुटलाते हैं, मानते नहीं कि क़यामत आएगी और बदला मिलेगा। और इसे सिर्फ वही झुटलाता है जो हद से बढ़ने वाला सख्त गुनाहगार हो, वो नहीं चाहता कि कोई बदले का दिन हो और मुझे मेरे अमाल की सजा मिले।
اذا تتلى عليه آياتنا قال اساطير الاولين, جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلوں کی کہانیاں ہیں, یعنی آیات میں غور و فکر نہیں کرتا, گناہوں میں مصروفیت سے اس کے دل پہ زنگ چڑھ چکا ہے. یاد رکھیے, یہ قرآن کہانیاں نہیں, اللہ کا کلام ہے, اللہ کی طرف سے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا گیا ہے, جس میں انسانوں کے لیے ہدایت ہے, نصیحت ہے, رحمت ہے. کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ہرگز نہیں, بلکہ ان کے دلوں پر اس کا زنگ چڑھ گیا ہے جو کمائی وہ کیا کرتے تھے. تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دل زنگالے ہو جاتے ہیں اور ان پہ پردہ پڑ جاتا ہے, دل سیاہ ہو جاتے ہیں. اس لیے پھر انسان کو نیکی کے کام میں کوئی رغبت نہیں ہوتی, نیکی کرنے کا شوق نہیں رہتا, گناہ کرنے کے باوجود گناہ کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس پر توبہ کر لی جائے, جبکہ توبہ اور استغفار دل کو صاف کرنے والی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے, پھر اگر توبہ کرے آئندہ کے لیے اس سے باز آ جائے اور استغفار کرے تو اس کا دل چمک کر صاف ہو جاتا ہے, اور اگر اور زیادہ گناہ کرے تو یہ دھبا اور زیادہ سیاہ ہو جاتا ہے. یہی زنگ ہے جس کا اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, کلا بل رانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں, بے شک اس دن وہ اپنے رب کے دیدار سے یقیناً حجاب میں ہوں گے, یعنی گناہگاروں کو رب اپنا دیدار نہیں کروائے گا, پھر بے شک ضرور وہ جہنم میں جھونکے جانے والے ہیں. پھر کہا جائے گا, یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے, ہرگز نہیں, بے شک نیک لوگوں کی کتاب اعمال یقیناً علیین میں ہے, اور کیا معلوم آپ کو کہ علیین کیا ہے, لکھی ہوئی ایک کتاب ہے. علیین علو سے ہے بلند جگہ, یعنی بلندی سے ہے, یہ آسمانوں میں یا سدرۃ المنتہا یا عرش کے پاس ایک جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے محفوظ ہوتے ہیں, جس کے پاس مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں. یشہدہ المقربون, اس پر مقرب فرشتے حاضر رہتے ہیں. بے شک نیک لوگ آسائش میں ہوں گے, بے شک نیک لوگ آسائشوں میں ہوں گے, اونچی مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے, آپ ان کے چہروں پر آسائش کی رونق پہچان لیں گے. وہ مہربان خالص شراب پلائے جائیں گے, اس کی مہر مشک کی ہوگی, مسک. پس بازی لے جانے والوں کو اس میں ایک دوسرے پر بازی لے جانی چاہیے, یعنی مقابلہ کرنے والوں کو اس چیز میں مقابلہ کرنا چاہیے, ایسے اعمال میں سبقت کرنی چاہیے جس کے نتیجے میں انسان کو جنت ملے. لمثل هذا فليعمل العاملون, ومزاجه من تسنیم, اور اس کی آمیزش تسنیم سے ہوگی, وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پیئیں گے. یہ جنت کے بالائی علاقوں سے ایک چشمے کے ذریعے بہ کر آئے گی, جنت کی بہترین اور اعلیٰ ترین شراب ہے. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون, بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے تھے, اور جب وہ پلٹ کر اپنے گھر والوں کی طرف جاتے تو دل لگی کرتے ہوئے پلٹتے تھے, ایمان والوں کا مذاق اڑاتے تھے, اور جب یہ ان کو دیکھتے تو کہتے بلا شبہ یہ لوگ نہایت گمراہ ہیں, یعنی ایمان والوں کو, دین پر عمل کرنے والوں کو وہ گمراہ قرار دیتے, حالانکہ یہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے. تو آج وہ لوگ جو ایمان لائے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے, مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے, کیا کفار نے اس کا بدلہ پا لیا جو وہ کیا کرتے تھے, یعنی مسلمانوں کا جو مذاق اڑاتے تھے دنیا میں اور ان کو اذیتیں دیتے, ظلم کرتے ان پر, کیا ان کا پورا بدلہ آج مل نہیں گیا؟ سورۃ الانشقاق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت, جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہوگا, اور یہی اس پر لازم ہے, یعنی مخلوق تو اللہ کا حکم سننے کے لیے کان لگائے ہوئے ہے, کب حکم ملے اور ہم عمل کریں, اور ہم انسانوں کا حال کیا, ایک بات کئی بار بھی سنتے ہیں پھر بھی عمل کی طرف نہیں آتے. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس میں ہے اسے باہر ڈال کر اور اس میں جو کچھ ہے اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی. یہ جو بات ہے نا, اے وائی زل ارض و مدت, زمین پھیلا دی جائے گی. ابھی تو زمین ایک اوول شیپ میں ہے نا, گولائی میں ہے, لیکن اس وقت کیا ہوگا, بالکل سٹریٹ کر دی جائے گی, سیدھی کر دی جائے گی, اور اس کو وسیع کر دیا جائے گا تاکہ جتنے بھی لوگ آج تک زمین پر پیدا ہوئے وہ سب زمین کی مٹی سے نکل کر اس پر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ وہیں ان کا حساب ہوگا.
زمین پر جو پہاڑ ہیں ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا, درخت کاٹ دیے جائیں گے, سب کچھ ختم, اور زمین ایک سفید چپاتی کی طرح روشن ہو کر اتنی بس پھیل جائے گی کہ جس پر سب انسان بیک وقت کھڑے ہوں, اور اسی طرح زمین کے اندر انسانوں کی جو گواہیاں ہیں وہ بھی باہر آ جائیں گی, اور وہ اپنے رب کے حکم کے لیے کان لگائے ہوئے ہوگی, اور یہی اس پر لازم ہے. اے انسان, بے شک تو سخت مشقت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, پھر تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے. تو رہا وہ شخص جسے اپنی کتاب اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دی گئی, تو ان قریب اس سے نہایت آسان حساب لیا جائے گا. یعنی آسان حساب سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا نام اعمال دیکھیں گے اور اس کو اس سے درگزر کریں, اس سے پوچھیں گے نہیں. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے کسی بھی عمل کے بارے میں پوچھ لیا تو ہمارے پاس جواب کوئی نہیں کہ یہ میری نافرمانی کیوں کی تھی, تو کیا کہیں گے کیوں کی تھی. تو بس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی, وہ دیکھ کر معاف کر دے گا. یہ ہے آسان حساب, کیونکہ حساب ایک دفعہ پیش ضرور ہوگا. اور سخت حساب کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور پھر جواب نہیں بن پائے گا تو انسان کی حالت غیر ہو جائے گی. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش لوٹے گا. یعنی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے اپنا اعمال نامہ لے کر آئے گا تو خوش ہو جائے گا کہ اس کو معافی کا پروانہ مل گیا, کیونکہ دنیا میں وہ اپنے گھر والوں میں اللہ کے ڈر سے رہتا تھا. یعنی دنیا میں جب وہ رہتا تھا تو اس کو اللہ کا ڈر تھا اور وہ اس کے ساتھ اچھے اعمال کیا کرتا تھا, صبح و شام اپنے نفس کا محاسبہ کرتا. یعنی کہتا نا, حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب کر لو, محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے. یعنی اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پوچھے, خود اپنے آپ کا حساب کرو اور اپنے گناہوں پر توبہ کر لو. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, اور رہا وہ جسے اس کی کتاب اعمال اس کی پشت پیچھے دی جائے گی, تو ان قریب وہ ہلاکت کو پکارے گا اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جلے گا. بے شک وہ اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا, یعنی دنیا میں انجوائے کر رہا تھا لیکن آخرت کو بھولے ہوئے تھا. وہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا, موت بھولی ہوئی تھی اس کو. کیوں نہیں, بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا. بس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں شفق کی, شفق سورج غروب ہونے سے عشاء کے وقت تک جو لائٹ ہوتی ہے اس کو شفق کہتے ہیں, اور وہ بہت جلد پھر غائب ہو جاتی ہے. ایسے انسان کی زندگی ہے, بس ادھر سے آیا اور ادھر گیا, اور رات کی اور اس چیز کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے, اور چاند کی جب وہ پورا ہو جاتا ہے, یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت میں ضرور چڑھتے جاؤ گے. چاند جس طرح چاند کی منزلیں ہوتی ہیں نا, ایک دن چاند باریک نظر آتا ہے, ہلال کا چاند ہوتا ہے, پھر تھوڑا اور بڑا, پھر آگے بڑا ہوتے ہوتے فل مون, پھر اس کے بعد ڈکلائن شروع ہو جاتا. ایسے ہی انسان کی زندگی ہوتی ہے, ایک سٹیج کے بعد ایک سٹیج, پھر ایک پوری جوانی کے بھرپور مرحلے پر آتا ہے, پھر اس کا ڈکلائن شروع ہو جاتا ہے اور پھر اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ, تو انہیں کیا ہو گیا کہ یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب قرآن ان پر پڑھا جاتا ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ, بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلاتے ہیں, اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ سمیٹ رہے ہیں, یعنی اس دنیا سے. بس انہیں ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یہ ہے ایمان کی جزا اور یہ ہے نیک اعمال کا بدلہ. آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون, کبھی نہ ختم ہونے والا اجر. سورۃ البروج, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج, قسم ہے برجوں والے آسمان کی, اور قسم ہے وعدہ کیے گئے دن کی, اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی, اور جس کے پاس حاضر ہوا جائے. خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے, وہ ایندھن والی ایک آگ تھی جب وہ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. یعنی ایک کافر بادشاہ نے ایمان والوں کے لیے بہت بڑی خندق کھدوائی اور اسے آگ سے بھر دیا اور ان سب کو اس میں پھینکا, اور پھر وہ اور اس کے حواری جو تھے وہ نظارہ کر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے کہ دیکھ لیا ان ایمان والوں نے اپنے ایمان کا مزہ. اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک عورت اپنے چھوٹے بچے کی وجہ سے کودنے سے گریز کرے گی تو بچہ کہے گا, بچہ بول پڑے گا. دنیا میں جتنے بچے بولے ہیں ان کے ناموں میں سے اس کا نام بھی آتا ہے, کہ وہ کہے گا کہ نہیں تم بھی کود جاؤ. اور اللہ کی خاطر جو رسک لے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پار لگاتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا اور اللہ نے ان کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دیا, سلامتی والا کر دیا. اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اس پر گواہ تھے, اسے دیکھ رہے تھے, اور انہوں نے ان سے محض اس بات پہ انتقام لیا
کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو بہت زبردست خوب تعریف والا ہے، یعنی ان کا اس کے سوا کوئی قصور نہیں تھا، وہ ٹیررسٹ نہیں تھے، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، انہیں کلمہ پڑھنے کی سزا دی گئی، وہ کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا پھر انہوں نے توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، یعنی جو لوگ مومنوں کو تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے پھر وہاں اسی طرح کی تکلیفیں رکھی گئی ہیں۔ اس بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے، بہت بڑے بڑے کنویں جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جو بختی اونٹوں کی طرح ہیں، اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں، پر جب جہنم والے آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے تو کہا جائے گا ساحل کی طرف چلے جاؤ، یہاں جہنم سے نکل کے کنارے پہ جاؤ، تو انہیں یہ کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں ان کے پہلوؤں سے پکڑ لیں گے اور اس میں سے ان جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا کہ کاٹیں، تو وہ ان سب کی کھال اتار دیں گے، تو اس اتری کھال کے ساتھ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے، یہاں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اپنے جلد کو کھجائے گا تو ہڈی نمودار ہو جائے گی، اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے، وہ کہے گا ہاں، تو اس کو کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تو مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، ایمان والوں کو تکلیف دیتا تھا، تو آج دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، لیکن اللہ کی رسی دراز ہے، وہ مہلت دیتا ہے اور پھر وہ جب پکڑتا ہے تو پھر اس کے بعد انسان کہیں بھاگ نہیں سکتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بے شک آپ کے رب کی پکڑ یقیناً بہت شدید ہے، بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے، عرش والا بڑی شان والا ہے، وہ جو چاہتا ہے کر گزرنے والا ہے۔ کیا آپ کے پاس ان لشکروں کی خبر آئی ہے فرعون اور سمود کی؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ ان کے آگے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بڑی شان والا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کیا مقام دے رکھا ہے اپنی زندگی میں، کیا اس کو بند کر کے اونچی شیلفوں میں رکھا ہوا ہے، یا اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالتے ہیں، یا یہ کچھ اور کہتا ہے اور ہم کسی اور طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں اور اس کتاب کو فالو نہیں کرتے۔ سورۃ الطارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی، اور کیا معلوم آپ کو کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ طارق کہتے ہیں کھٹکھٹانے والے کو، اور یہاں مراد ستارہ ہے، النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے، کوئی شخص ایسا نہیں جس پر ایک حفاظت کرنے والا نہ ہو، یعنی ہر انسان پر نگران فرشتے مقرر ہیں، بس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، وہ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، پیٹ مرد کی اور سینہ عورت کا، بے شک وہ اس کو لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے، یعنی اللہ ہی نے پیدا کیا اور اللہ ہی واپس لے جائے گا اور دوبارہ پیدا کرے گا، جس دن تمام رازوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی سیکرٹس بھی سامنے لے آئے جائیں گے، یا انسان کے وہ اعمال جو دنیا میں ایک راز بن کے رہ گئے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا جو دنیا میں کھلتی نہیں، کتابیں بند ہو جاتی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم ظاہر میں ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور دل میں ہماری نیت اور خواہش اور ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ اب لوگوں کو تو ہمارا ظاہر نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ ظاہر پہ ہماری بڑی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کرے ہو، بہت خوب، ویری گڈ، لیکن ہم نے کس نیت سے کیا اس کو، ہمارے دل میں کیا چل رہا تھا، وہ دنیا میں نہیں پتہ چلتا، لیکن قیامت کے دن وہ سینوں کے راز بھی سامنے آ جائیں گے۔ یوم تبل السرائر، سب کھل جائے گا، کس غرض سے کیا، کس نیت سے کیا، کس مقصد سے کیا، ساری دنیا سے انسان جن چیزوں کو چھپائے ہوئے ہوگا وہ سامنے کھل کر آ جائے گی، کیونکہ جو بیج اس نے دنیا میں بویا تھا اسی کے مطابق قیامت کے دن اس کی فصل لگے گی، تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی مددگار کہ کوئی کام آئے وہاں اس کو چھڑائے بچائے۔ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جو بار بار بارش لاتا ہے۔ والارض ذات الصدع، اور پھٹنے والی زمین کی قسم
बेशक ये कुरान यकीनन एक फैसला कुन बात है। इन्नहु लकौलुन फसल, फैसला इसके मुताबिक होगा, लोगों के आमाल इसके मुताबिक परखे जाएंगे कि इसके मुताबिक है या इसके मुताबिक नहीं। मुताबिक हुए तो एक्सेप्टेड, नहीं हुए तो रिजेक्टेड। और ये कोई हंसी मजाक नहीं है, ये कुरान कोई हंसी मजाक की चीज नहीं है कि इसकी आयतों के लतीफे बना लिए जाएं। इन्नहुम यकीदूना कईदा, बेशक वो एक चाल चल रहे हैं, बेशक ये एक चाल चल रहे हैं। वह अकीदू कईदा, और मैं भी एक तदबीर कर रहा हूँ। देखिए फिर कामयाब कौन होता है। फमहिल काफिरीन अमहिलहुम रुबईदा, बस आप काफिरों को मोहलत दे दीजिए, थोड़ी सी मोहलत। यानी बस ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर जो आपका इनकार कर रहे थे, यानी काफिर वो लोग थे कि जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का इनकार किया था, तो इनको थोड़ी सी मोहलत दो, फिर देखते हैं कि दुनिया में ही अंजाम दोनों फरीकों का क्या होता है, और आखिरत का तो खैर होगा ही। सूरतुल आला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदैन और जुमा में सब हिस्म रब्बिकल आला और हल अता का हदीसुल गाशिया पढ़ते, और ईद और जुमा एक ही दिन इकट्ठे हो जाते तो भी आप यही दोनों सूरतें इन दोनों नमाजों में पढ़ते। यानी इतनी इम्पोर्टेंट सूरतें हैं ये, और इसी तरह जोहर की नमाज में भी पढ़ते थे। अगर आपको याद है तो इस सुन्नत पर अमल कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, तस्बीह कीजिए अपने रब के नाम की जो सबसे बुलंद है। वो जिसने पैदा किया फिर उसने दुरुस्त किया, और वो जिसने अंदाजा किया फिर उसने हिदायत बख्शी, और वो जिसने जमीन से चारा निकाला फिर उसने उसे स्याह कूड़ा करकट कर दिया। अनकरीब हम आपको पढ़ा देंगे फिर आप नहीं भूलेंगे, क्योंकि आप पर जब वही नाजिल होती तो आप तेज तेज पढ़ने लग जाते कि कहीं भूल ना जाएं, तो आपको इससे मना किया गया। इल्ला माशा अल्लाह, मगर जो अल्लाह चाहे, बेशक वो जाहिर को जानता है और उसको भी जो पोशीदा है, और हम आपको आसानी की तरफ सहूलत देंगे, बस आप नसीहत कीजिए अगर नसीहत करना फायदा मंद हो। अनकरीब वो नसीहत कबूल कर लेगा जो डरता है, और सबसे ज्यादा बदबख्त इससे इज्तनाब करेगा वो जो बहुत बड़ी आग में जलेगा। ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, उस आग में हाल क्या होगा, फिर वो उसमें ना मरेगा और ना जिएगा। यकीनन वो फलाह पा गया जो पाक हुआ, और उसने अपने रब का नाम लिया, और उसने अपने रब का नाम याद किया फिर नमाज पढ़ी। यहाँ आप देखिए अल्लाह के जिक्र और नमाज से पहले तज़किया नफ्स का जिक्र है, पाकीजगी का जिक्र है, क्योंकि सारे आमाल की कबूलियत की बुनियाद ही पाकीजगी है। जाहिरी आमाल, वुजू नहीं हो तो नमाज नहीं होती, आप पाक ना हो तो आपका रोजा नहीं होगा, यानी पीरियड्स में रोजा नहीं होता। फिर इसी तरह ना सिर्फ ये कि जाहिरी आमाल, बल्कि बातनी आमाल में भी नीयत पाक ना हो, नीयत अच्छी ना हो तो जाहिरी आमाल भी कबूल नहीं होंगे। जब नफ्स पाक होगा तो उसमें हिदायत की रोशनियां चमकने लगेगी। नफ्स की पाकीजगी की अलामत क्या होती है कि नेकी से मोहब्बत होने लगती है इंसान को, नेकी की मजालिस से मोहब्बत होने लगती है, कुरान से मोहब्बत होने लगती है। इंसान अपना एक खास वक्त कुरान के साथ मखसूस करता है, और फिर इंसान को इतनी क्लैरिटी हो जाती है, उसको पता चल जाता है कि क्या चीज मेरे फायदे में और क्या नुकसान में। जब हमारे ऊपर हमारे अंदर एक फोग सी होती है ना, तो हम अलग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते और डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा काम मेरे हक में बेहतर और कौन सा नहीं। लेकिन जब नफ्स का तस्किया होता चला जाता है तो एक फुरकान और एक बुरहान इंसान को मिल जाती है। बल तुफिरून अलहयात दुनिया वल आखिरत खैरुन व अबका, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और ज्यादा बाकी रहने वाली है। यकीनन ये बात पहले सहीफों में है, इब्राहिम और मूसा के सहीफों में, यानी पिछले पैगम्बरों की भी यही तालीम थी कि आखिरत बहुत बेहतर है और ज्यादा बाकी रहने वाली है दुनिया के मुकाबले में। सूरतुल गाशिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हल अता का हदीसुल गाशिया, वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, क्या आपके पास ढांप लेने वाली क़यामत की खबर आई है। कुछ चेहरे उस दिन जलील होंगे, मेहनत करने वाले, थक जाने वाले। और ये कौन होंगे, काम करके थके लेकिन कोई काम कबूल नहीं हुआ, जिनकी नीयतें खराब होंगी, जिनके अंदर रियाकारी होगी, जिन्होंने दीन का काम दुनिया हासिल करने के लिए किया। तस्ला नारन हामिया, वो भड़कती हुई आग में जलेंगे, वो एक खोलते हुए चश्मे से पिलाए जाएंगे, उनके लिए झाड़ कांटों के सिवा कोई खाना ना होगा, जो ना मोटा करेगा और ना भूख मिटाएगा। कुछ चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे, अपनी कोशिशों पर मुतमइन होंगे, बुलंद पाया जन्नतों में होंगे,
वो उसमें कोई लख्व बात न सुनेंगे, उसमें एक रवां चश्मा होगा, उसमें बुलंद मसनदें होंगी और रखे हुए प्याले होंगे और सफ दर सफ लगे हुए तकिये होंगे और बिछे हुए नफीस कालीन होंगे। क्या फिर वो ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किए गए, क्योंकि ऊँट उनके नजदीक एक उनकी जिंदगी का महवर था। जितना वो गौर फिक्र ऊँट की आदात पे करते थे और जानते थे, उतना वो किसी और चीज को नहीं जानते थे, अपने रब को भी इतना नहीं पहचानते थे। तो उन्हें कहा गया कि ठीक है, फिर तुम इसी निशानी में गौर करो कि किस तरह अल्लाह ने इनको पैदा किया, कैसी कैसी शक्ल दी, एक ही जिस्म के अंदर कितने मुख्तलिफ मटीरियल लगे हुए हैं, और आसमान की तरफ कि वो कैसे बुलंद किया गया। और आप देखिए कि मवेशी जानवर में सबसे बड़ा होने के बावजूद उसके अंदर शदीद ताकत भी है, वजूद भी बड़ा है, लेकिन इंसानों के लिए नरम और ताबे है। तुम उस पर जितना चाहो बोझ लाद कर उसको ले जाओ, वो इनकार नहीं करेगा, तुम्हारा मातहत होकर ही रहेगा। उसका गोश्त खान तुम्हारे खाने के लिए है, उसका दूध तुम्हारे पीने के लिए, उसकी ऊन गर्मी हासिल करने के काम आती है। वइलस समाई कैफ रुफ़िअत, और आसमान की तरफ कि वो कैसे बुलंद किया गया। वइलल जिबाली कैफ नुसिबत, और पहाड़ों की तरफ कि वो कैसे नसब किए गए, और जमीन की तरफ कि वो कैसे बिछाई गई। बस आप नसीहत कीजिए, पदक्किर इन्नमा अंत मुदक्किर, बेशक आप सिर्फ नसीहत करने वाले हैं। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप इन पर कोई दारोगा नहीं, मगर वो जिसने मुंह मोड़ा और कुफर किया तो अल्लाह उसे अजाब देगा, बहुत बड़ा अजाब। इन्ना इलैना इयाबहुम, बेशक हमारी ही तरफ उनका लौट कर आना है, फिर बेशक हमारे ही जिम्मे उनका हिसाब है। सूरतुल फज्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल फज्र, والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر, قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور تاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ یہاں دس راتوں سے مراد ذلحجہ کا پہلا عشرہ ہے, جس میں جو دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن ہے, اور اس میں کیا ہوا کوئی بھی عمل پورے سال کے اعمال پہ بھاری ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں, اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان دس دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھا کرو۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر, کیا اس میں عقل والوں کے لیے ایک بڑی قسم نہیں ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا, اونچے ستونوں والے ارم کے ساتھ, وہ جن کے مانند کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا, اور قوم سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا, اور فرعون اور میخوں والے فرعون کے ساتھ, وہ لوگ جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی, پھر انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد برپا کر رکھا تھا, تو آپ کے رب نے ان سب پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ یہ پچھلی برباد ہونے والی قوموں کا ذکر ہے یہاں۔ بے شک آپ کا رب گھات میں ہے, یعنی انتظار میں ہے کہ تمہارا وقت ختم ہو اور پھر تمہاری پکڑ ہو۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, تو رہا انسان جب اس کا رب اسے آزماتا ہے, پھر اسے عزت دیتا ہے اور نعمت عطا کرتا ہے, تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی, اور لیکن جب اسے وہ آزماتا ہے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا, یعنی رب سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کلا, ہرگز نہیں, بل لا تکرمون الیتیم, بلکہ تم لوگ یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر تم اللہ کے ہاں اپنی عزت چاہتے ہو, مقام چاہتے ہو, تو تم اپنے سے کمتر درجے میں یا اپنے سے یعنی ایسے لوگوں میں جو محروم طبقات ہیں ان کو عزت دو, ان کو آگے بڑھاؤ, اور تم ایک دوسرے کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ یعنی صرف خود کھانا کھلا دینا کافی نہیں, بلکہ اس کی دوسروں کو بھی انکریج کرنا چاہیے, دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ بھی غریبوں کا خیال کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے, اور وہ گھر سب سے بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر آپ نے انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا, اور تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو, یعنی حقداروں کو حق نہیں دیتے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اور تم مال سے محبت رکھتے ہو, بہت زیادہ محبت, اس لیے جس بھی طریقے سے حاصل ہو
लेते जाते हो हलाल या हराम की परवाह नहीं करते। कल्ला इदा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का, हरगिज नहीं जब जमीन खूब कूट कर रेजा रेजा कर दी जाएगी। और आपका रब आएगा और फरिश्ते सफ दर सफ खड़े होंगे यानी हिसाब लेने के लिए। वजी अयोम इदिम बि जहन्नम, और जहन्नम उस दिन लाई जाएगी, उस दिन इंसान को समझ आ जाएगी, मगर उस दिन समझना क्यों कर फायदा देगा। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस दिन जहन्नम इस हाल में लाई जाएगी कि उसकी 70,000 लगामें होंगी, हर लगाम के साथ 70,000 फरिश्ते होंगे जो उसे खींच कर ले आएंगे। इतनी बड़ी बला है ये। वो कहेगा, ऐ काश मैंने अपनी जिंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता तो आज इसके अजाब जैसा कोई अजाब न देगा और न उसके बांधने जैसा कोई बांधेगा। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्से मुतमइन्ना, इरजई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ वापस लौटाओ राजी होकर पसंदीदा बनकर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन मोमिन के हर हाल में खैर है, उसकी जान उसके दोनों पहलुओं से निकल रही होती है इस हाल में कि वो अल्लाह की तारीफ कर रहा होता है, क्योंकि फरिश्ते उसको आकर खबर देते हैं तुम्हारा रब तुमसे राजी है, तुम्हारे लिए जन्नत की खुशखबरी है। तो जब जान निकलने की उसको जो तकलीफ होती है वो भूल जाती है और रब से राजी होकर वो निकलता है। और अबू हुरैरा कहते हैं कि जब किसी मोमिन की रूह निकलती है तो दो फरिश्ते उसे लेकर ऊपर चढ़ते हैं, तो आसमान वाले कहते हैं, पाकीजा रूह जमीन की तरफ से आई है, अल्लाह तुझ पर और इस जिस्म पर जिसे तू आबाद रखती थी यानी नेक आमाल से रहमत नाजिल फरमाए। यानी ऐसी नेक रूह को आसमान वाले फरिश्ते भी दुआएं देते हैं। बदखुली फी इबादी, हुक्म होगा बस मेरे खास बंदों में दाखिल हो जाओ, इल्लियीन में आओ, और बदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला उक्सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद, नहीं मैं उस शहर की कसम खाता हूँ, नहीं मैं इस शहर यानी शहर मक्का की कसम खाता हूँ, और आप इस शहर में मुकीम हैं यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका मौलद व मस्कन मक्का था, और कसम है बाप की यानी आदम अलैहिस्सलाम और उस औलाद की जिसे उसने जन्म दिया, यकीनन हमने इंसान को बड़ी मशक्कत में पैदा किया है। इंसान की पैदाइश का मरहला भी पूर्व मशक्कत है और इंसान की जिंदगी का हर मरहला, जब बच्चा छोटा होता है ना कुछ खा सकता है ना पी सकता है, ना माँ को समझ आती है कि इसको दर्द है तो कहाँ है, ये क्या चाहता है, इसको सर्दी लगी है गर्मी, यानी इंसान इतना बेबसी की हालत में पलता है। और फिर जब बड़ा होता है जवान होता है तो मजीद चैलेंजेस होते हैं, यानी यू नेम इट कि जिंदगी में कितनी मुश्किल इंसान उनसे गुजर कर आगे बढ़ता है और उसका इम्तिहान है चूंकि, इसलिए मुश्किल तो होंगी और इसके लिए इंसान को प्रिपेयर्ड होना चाहिए। हम असल में तवक्को ये रखते हैं कि हमारी जिंदगी आसान हो, लेकिन हर आसानी के साथ एक और मुश्किल आ जाती, और अगर हम मुश्किलात के आदी हो तो मुश्किलात के साथ अल्लाह ने दो दफा आसानी की बात की है। अयहसबुल इंसान अल्लाह यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो ये समझ अयहसबुल अल्लाह यक़दिर अलैहि अहद, क्या वो ये समझता है कि उस पर कभी कोई काबू ना पा सकेगा, यानी उसे कोई पकड़ने पूछने वाला नहीं। वो कहता है मैंने ढेरों माल खर्च कर डाला, यानी दीन की मुखालफत में माल खर्च करने को अपना बड़ा कमाल समझता था, जैसे अबू लहब की बीवी, उसने उसका बड़ा कीमती हार था जो उसको पकड़ के कसम खा के कहती थी ये मोहम्मद की मुखालफत में खर्च कर दूंगी। अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो समझता है, क्या वो ये समझता है कि उसे किसी ने देखा नहीं, क्या हमने उसके लिए दो आंखें नहीं बनाई और एक जबान और दो होंठ, और हमने उसे दोनों रास्ते दिखा दिए यानी खैर और शर के दोनों के, ईमान के भी और कुफर के भी, सआदत के भी और बदबख्ती के भी। फलक्तहमल अकबा वमादराकमल अकबा, फिर भी वो दुश्वार गुजार घाटी में दाखिल ना हुआ, और क्या मालूम कि आप, क्या मालूम आपको कि वो दुश्वार गुजार घाटी क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सामने एक बहुत सख्त घाटी है, हल्के बोझ वाला ही उससे पार हो सकता है, यानी जिसके गुनाह हल्के हों। फक्कु रकबा औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, वो एक गर्दन को छुड़ाना है या किसी भूख वाले दिन में खाना खिलाना है किसी रिश्तेदार यतीम को, यानी गर्दन आजाद करना और मालदार के लिए बुलंदियों पर ले जाने वाला एक मुश्किल रास्ता है। और गर्दन छुड़ाने की बहुत फजीलत भी आई है, कैदियों को छुड़ाना, गुलामों को छुड़ाना। औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, यानी खाना खिलाने का भी बहुत अजर है और खासतौर पर भूख के दिन, ये जन्नत वाजिब कर देने वाला काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, मुझे कोई ऐसी चीज बता दीजिए जिससे मेरे लिए जन्नत लाजमी हो जाए। आपने फरमाया, हुस्ने कलाम और खाना खिलाने को लाजिम पकड़ो, यानी
अच्छी तरह बात करो और लोगों को फायदा भी पहुंचाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो हैं जो खाना खिलाने वाले हैं और हर तर जिगर वाले को खिलाने पिलाने पे अजर है, यानी सिर्फ इंसानों को नहीं बल्कि जानवरों को भी, कीड़े मकोड़ों, मकड़ियों, यानी किसी भी मखलूक का इंसान अगर रिस्क का बंदोबस्त करता है तो वो उसके लिए अजर का बायस है। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या किसी खाक नशीन मिस्कीन को, या किसी खाक नशीन मिस्कीन को, फिर वो उन लोगों में से हो जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र की और रहम करने की तलकीन करते रहे, और यह ईमान का हिस्सा है। उलाइका असहाबुल मैमना, यही लोग दाएं हाथ वाले हैं, और जिन लोगों ने हमारी आयात के साथ कुफर किया वो बाएं हाथ वाले हैं, बस उन पर ऐसी आग होगी जो हर तरफ से बंद की हुई होगी, यानी सांस न लेने पाएंगे, घुट घुट के मरेंगे लेकिन मर न सकेंगे, जीने की कोशिश करेंगे लेकिन जी न सकेंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसी आग से बचाए। सूरत शम्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, जब तुम लोगों को इमामत कराओ तो वह शम्स व दुहाहा और सब भी इस्म रब्बिक अल आला, इकरा बिस्म रब्बिक और वल्लैल इज़ा यक्षा पढ़ा करो, यानी छोटी सूरतें पढ़ा करो। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها, कसम है सूरज की और उसकी धूप की और चांद की जब वो उसके पीछे आए, और दिन की जब वो सूरज को जाहिर कर दे, और रात की जब वो सूरज को ढांप ले, और आसमान की और उस जात की जिसने उसे बनाया, और जमीन की और उस जात की जिसने उसे बिछाया, और नफ्स की और उस जात की जिसने उसे दुरुस्त किया, बस उसने उसकी बदी और तक्वा उसे इल्हाम कर दिया, यानी हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने नेकी और बदी की पहचान रखी है। कद अफलाह मन ज़क्काहा, यकीनन वो फला पा गया जिसने इसे पाक किया, यानी नफ्स को पाक किया, और यकीनन वो नामुराद हुआ, नाकाम हुआ जिसने इसे दबा दिया। याद रखिए, नफ्स का इलाज जिस्म के इलाज से ज्यादा मुश्किल है। जिस्म की बीमारियां तो नजर आती है ना तो इंसान उनका इलाज कर लेता है, और नफ्स की बीमारियां उनका पता ही नहीं चलता और इंसान उन बीमारियों में मुबतला रहता है, जिसकी वजह से खुद को भी तकलीफ देता है, औरों को भी देता है, और अपने अमाल को भी बर्बाद करता है। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ बअथ अशक़ाहा, समूद ने अपनी सरकशी की वजह से जुटा दिया, फिर उस कौम का सबसे बड़ा बदबख्त उठ खड़ा हुआ, तो अल्लाह के रसूल ने उनसे कहा, यह अल्लाह की ऊँटनी है और इसे पानी पिलाना है। अल्लाह ने ऊँटनी के शरफ और खसूसियत की वजह से उसको अपनी तरफ मंसूब किया, अल्लाह की ऊँटनी जैसे बैतुल्लाह, काबतुल्लाह, तो उन्होंने उसे झुटला दिया, फिर उस ऊँटनी की कोंचे काट दी, तो उनके गुनाहों की पादाश में उनके रब ने उन पर हलाकत डाली, फिर उन सब पर उस बस्ती को बराबर कर दिया, और वो उसके तबाहकुन अंजाम से नहीं डरता। सूरतुल लैल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लैलि इज़ा यग्शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, कसम है रात की जब वो छा जाए और दिन की जब वो रोशन हो जाए, और उस जात की जिसने नर और मादा को पैदा किया, बेशक तुम्हारी कोशिशें मुख्तलिफ हैं, यानी हर एक अपनी अपनी पसंद के मुताबिक के काम कर रहा है या मजबूरी से, सबकी कोशिशें एक जैसी नहीं होती। फअम्मा, ये गौर से सुनने वाली आयत है, फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दका बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा, तो रहा वो जिसने अल्लाह के लिए दिया और तकवा इख्तियार किया और भलाई की तस्दीक की, नेकी की बातों को सच माना, पसन यस्सिरुहु लिलयुस्रा, पसन करीब हम उसे आसान रास्ते की सहूलत देंगे। यानी अल्लाह ताला मुत्तकी इंसान की कदर करता है, उसके कामों को आसान कर देता है, और जैसे जैसे इंसान अल्लाह से दूर होता जाता है उसके कामों में ऐसी मुश्किलात आती हैं। वह अम्मा मम बखिला वस्तगना वकद्दबा बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउसरा, और रहा वह शख्स जिसने बुखल किया और बेपरवाही बरती और भलाई को जुटला दिया, पसन करीब हम उसे मुश्किल रास्ते की सहूलत देंगे, यानी जो नेकी करेगा उसके लिए नेकी की राहें आसान कर देंगे, वो उस तरफ चल पड़ेगा, और जो बुराई करेगा उसके लिए हम नेकी का रास्ता मुश्किल कर देंगे। वमा युगनी अनहु मालुहु इज़ा तरद्दा, और जब वो जहन्नम में गिरेगा तो उसका माल उसके कुछ काम न आएगा। इन्ना अलैना लल्हुदा, बेशक हमारे ही जिम्मा हिदायत देना है। वो इन्ना लना लन आखिरत वल उला, और बेशक हमारे ही इख्तियार में आखिरत और दुनिया है। बस मैंने तुम्हें भड़कती हुई आग से खबरदार कर दिया, उसमें सिर्फ वो निहायत बदबख्त जलेगा जिसने झुटलाया और मुंह मोड़ लिया, और जरूर उससे दूर रखा जाएगा जो निहायत परहेजगार हुआ, वो जो अपना माल देता है ताकि पाक हो जाए, हालांकि किसी का उस पर कोई एहसान नहीं,
जिसका बदला दिया जाए। इल्लब्तिगा अवजह रब्बिल आला वलसौफा यरदा, बल्कि सिर्फ अपने बुलंद व बरतर रब का चेहरा चाहने के लिए, और यकीनन वो जरूर उससे राजी होगा, और यकीनन वो जरूर राजी हो जाएगा। सूरत दुहा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الضحى والضحى والليل إذا سجى قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے ما ودعك ربك وما قلى نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے اور یقیناً آپ کے لیے آخرت پہلی زندگی سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے कि हर आने वाला लम्हा आपके लिए पहले लम्हे से बेहतर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में आपको नबुव्वत मिली और आप अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने के लिए जब खड़े हुए तो ऐसी ऐसी तकालीफ देखी कि जो शायद ही जिंदगी में किसी ने देखी हो, और फिर वही का सिलसिला कुछ रुका तो आपको यूं महसूस हो गया, आपको यूं महसूस हुआ कि शायद अल्लाह सुभान व तआला आपसे नाराज हो गया है। तो आपको तसल्ली दी जा रही है, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, और अन करीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप राजी हो जाएंगे। क्या उसने आपको यतीम नहीं पाया, फिर उसने ठिकाना फराहम किया, और उसने आपको राह भूला पाया तो रास्ता दिखा दिया, और उसने आपको तंगदस्त पाया तो गनी कर दिया। फअम्मल यतीम फला तक़हर, तो रहा यतीम तो आप उस पर सख्ती न कीजिए, और रहा सवाली तो आप उसे मत झिड़किए, यानी किसी भी तरह सवाल करने वाले को झिड़कने की मुमानत है। वह अम्मा बिनअमति रब्बिका फहद्दिस, और लेकिन अपने रब की नेमत को पस बयान कीजिए, नेमतों का जिक्र करते रहिए। अगरचे खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन हम सब भी जिंदगी में किसी न किसी चैलेंज का शिकार होते हैं, तो ऐसे में इस सूरत का पढ़ना बहुत ढारस बंधाता है, बहुत तसल्ली देता है। और याद रखिए, जब दुख का वक्त हो, तकलीफ का वक्त हो, तो नेमतों को याद करना शुरू कर दें, अल्लाह ताला के इनामात का जिक्र करें, अपने दिल ही दिल में सेल्फ टॉक के साथ भी और लोगों के सामने भी, ताकि आपका हौसला बुलंद रहे। और मुश्किल तो अपने वक्त के साथ ही खत्म होती है। सूरत शरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके लिए आपका सीना खोल नहीं दिया, यानी सीना खोल देने से मुराद इस्लाम के हक पर होने, इस्लाम के हक होने पर इत्मीनान, दिल का नूर हिदायत से रोशन होना और जिक्र इलाही से नरम होना। और इसकी दुआ भी की जाती है, रब्बि शरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे लिए मेरा सीना खोल दे। वबदाना अनक विजरक, वबदाना अनक विजरक, और हमने आप पर से आपका बोझ उतार दिया, यानी वही इलाही बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा कर दी। अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, वो जिसने आपकी कमर तोड़ दी थी। वरफ़ाना लका ज़िक्रक, और हमने आपके लिए आपका जिक्र बुलंद कर दिया। फ़इन्नमाल उस्री युस्रा, इन्नमाल उस्री युस्रा, बस बेशक हर तंगी के साथ एक आसानी है, यकीनन हर तंगी के साथ एक और आसानी है, यानी मुश्किलात के दिन थोड़े होते हैं, हर मुश्किल के बाद बल्कि मुश्किल के साथ ही आसानी भी शुरू हो जाती है, यानी एक मुश्किल के साथ दो आसानियां होती हैं। अगर आप सामने टेक्स्ट है तो उस पर नजर डालें, उस्र युस्र और उस्र और फिर युस्र, तो यानी दोहरी बशारतें दी गई हैं, यानी एक मुश्किल दो आसानियों पर गालिब नहीं आ सकती। फइज़ा फ़रग़्त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, बस जब आपको फरागत मिले तो अब इबादत में मेहनत कीजिए और अपने रब की तरफ बस रग़बत कीजिए, यानी जब आप फारिग हो जाएं तो अपने आप को थकाइए, इबादत की तरफ आइए। तो अब रमजान गुजरता चला जा रहा है, निस्फ से ज्यादा हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन आएगा कि खत्म हो जाएगा, जैसे आज ये कुरान का खत्म हो रहा है, तो फिर हम यूं लगता है कि जैसे हम फारिग हो गए हैं। मोमिन कभी फारिग नहीं होता। जब आपको फरागत की फीलिंग हो कि मेरे पास करने का कोई काम नहीं, तो रब की इबादत ऐसी है जिसमें हम हमेशा कोताही करते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा काम, कोई जिक्र, कोई तिलावत, कोई नफल, कोई लोगों की खिदमत का ऐसा काम जरूर शुरू कर दीजिए, तो नतीजा क्या होगा कि आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात हैं वो खत्म हो जाएंगी। मुश्किलात का हल सिर्फ इसमें है कि इंसान उनसे अपना ध्यान हटाए, जितना ज्यादा आप उनके बारे में सोचते रहेंगे उतना ही आप दलदल में फंसते रहेंगे, तो उनसे उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि हर मुश्किल हल होगी एक वक्त के साथ, उसका इंतजार कीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह से मदद मांगिए, सदका खैरात कीजिए, लोगों के साथ एहसान कीजिए, अपनी गुज़श्ता जिंदगी पर
اگر کوئی گزشتہ زندگی میں کوئی گناہ یا غلط کام ہوئے اس پر توبہ استغفار کر کے آیت کریمہ پڑھیے تو انشاءاللہ مشکلات آسان ہو جائیں گی. سورۃ التین, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین, قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی. اللہ تعالیٰ نے ان دو پھلوں کی قسم کھائی ہے کیونکہ ان دونوں کے بے شمار فوائد ہیں, اور یہ دونوں درخت ارض شام یعنی فلسطین میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رہنے کی جگہ تھی وہاں کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور اس علاقے کی طرف اشارہ ہے. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ, اور اس امن والے شہر کی یعنی ان علاقوں پر اللہ کا خاص فضل ہوا کہ اس میں اس نے پیغمبروں کو مبعوث کیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے, یعنی تمام جانوروں کے مقابلے میں انسان کی شکل و صورت اور اس کی فزیک اور یہ سب بہت اچھی بنائی. پھر ہم نے اسے لوٹا کر سب نچلوں سے نچلا کر دیا, یعنی بہترین بناوٹ میں ہونے کے باوجود جب انسان اپنی فطرت کو مست کر دیتا ہے تو پھر وہ حیوانوں سے بھی نچلے درجے پر آ جاتا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے. تو گویا ایک طرف وہ لوگ ہیں جو عقل اور فطرت کے تقاضوں پر عمل نہ کر کے حیوان سے بھی بدتر ہو گئے ہیں, اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں تو وہ ہمیشہ کی جنتوں کے وارث بنتے جا رہے ہیں. وما یکذبک بعد بالدین, تو اس کے بعد کیا چیز تجھے جزا و سزا کے دن کو چٹلانے پہ آمادہ کرتی ہے, کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں. سورۃ العلق, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا, اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ کرم والا ہے, وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی, جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نازل ہونے والی پہلی وحی ہے, اور اس پہلی وحی میں اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی تخلیق کے جو ایمبریالوجی ہے اس کے بارے میں آپ کو رہنمائی دے رہے ہیں, انسان کی تخلیق کیسے ہوئی اور پیدا ہونے کے بعد سب سے معزز کام کیا ہے, پڑھنا لکھنا. اقرا وربک الاکرم, پڑھیے اور آپ کا رب سب سے زیادہ عزت والا ہے, کرم والا ہے. وہ رب الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا, تو انسان کی عزت و شرف علم سے ہے, اور انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم, علم تو بہت سے ہے لیکن اپنے بارے میں جاننا اور اپنی آخرت اور انجام کے بارے میں جاننا یہ نہایت اہم علم ہے جو ہمیں صرف قرآن و سنت سے ملتا ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے, یعنی بھلائی کا ارادہ کس اعتبار سے کہ اس کی پھر آگے کی زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے, اور طالب علم کے لیے تو فرشتے بھی اپنے پر بچھاتے ہیں, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ایسی عزت دی ہے علم کے لیے نکلنے والوں کو. کلا ان الانسان لیطغى, ہرگز نہیں, بے شک انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے. ارآہ استغنا, کیونکہ وہ خود کو بے نیاز دیکھتا ہے, بے شک آپ کے رب ہی کی طرف پلٹنا ہے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو, یعنی بے نیازی کہاں کام آئے گی, انسان بے نیاز ہو نہیں سکتا, وہ تو موت کے دائرے میں گرا ہوا ہے. ہم ایک سرکل کے اندر ہیں, وہ جو دائرے کے اندر ہیں جو تنگ ہوتا جا رہا ہے, اور ایک دن وہ دبوچ کے لے جائے گا تو اور رب کے سامنے جا حاضر ہوں گے. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے, ابو جہل کی طرف اشارہ ہے, ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. ارأیت ان کان علی الہدا, کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہوا یا اس نے تقویٰ کا حکم دیا ہو, کیا آپ نے دیکھا کہ اگر اس نے حق کو جھٹلایا ہو اور منہ موڑا ہو, یعنی ایک تو حق کی طرف بلا رہا ہے اور دوسرا اس سے منہ موڑ رہا ہے, کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے ارادہ کیا کہ آپ پہ اوپر حملہ کر دے, لیکن جو ہی آگے بڑھا تو آگ کے شعلے نظر آئے. کلا لئن لم ینتہی لنسفعاً بالناصیہ, ہرگز نہیں, یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم ضرور اسے پیشانی کے بالوں سے گھسیٹیں گے, وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے. فلیدعو نادیا, بس وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے, ان قریب ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے. ہرگز نہیں, آپ اس کا کہنا نہ مانیے اور سجدہ کیجئے اور قریب ہو جائیے, کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے, اور انسان کو
सजदों से ही दर्जात में बुलंदी मिलती है। इसलिए फर्ज नमाजें तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसके साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम कीजिए। और रमजान में आप देखें एक्स्ट्रा नवाफिल की आदत हो जाती है, रमजान के बाद इस आदत को ना छोड़िए। सूरतुल कद्र, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, बेशक हमने इसे यानी कुरान को शब कद्र में नाजिल किया, अजमत वाली रात में नाजिल किया। वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, और आपको क्या मालूम कि शब कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, शब कद्र हजार महीनों से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि इसमें कुरान नाजिल हुआ था। रमजान की फजीलत क्यों है? शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, क्योंकि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ था। मक्का की फजीलत क्यों है? क्योंकि वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हुए और उन पर कुरान के नुज़ूल का आगाज हुआ। इस उम्मत की फजीलत क्यों है? क्योंकि ये हामिले कुरान है। तो इस कुरान के साथ हर कदम पर बरकतें ही बरकतें हैं। तो आखिर उस इंसान के दर्जे क्यों नहीं बुलंद होंगे जो इस कुरान से मोहब्बत करेगा और इसके साथ अपनी जिंदगी बसर करेगा और अपनी जिंदगी को इसकी रोशनी में गुजारेगा। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इसमें फरिश्ते और रूहुल कुद्दुस अपने रब के इज़्न से हर हुक्म लेकर उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती है फजर तुलू होने तक। और हम जानते हैं कि ये रात रमजान की आखिरी रातों में होती है, आखिरी 10 दिनों में से एक रात होती है। ज्यादातर रिवायतें 27वीं की तरफ जाती हैं, लेकिन आपने इसको हर ताक रात में तलाश करने के लिए हुक्म दिया है। आखिरी अशरा रमजान का बहुत ही अहम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब काम छोड़कर इसमें इतकाफ किया करते थे और खुद भी जागते और अपने घर वालों को भी जगाते थे, यानी रातों की इबादत किया करते थे। तो इसलिए आखिरी अशरा शुरू होने से पहले फिर एक दफा प्लानिंग कर लीजिए कि आपने इन रातों की इबादत कैसे करनी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि शुरू हो जाए और हमारे पास कोई प्लानिंग ना हो और हम अपना वक्त जाया कर दे इधर उधर घूमते फिरते कि किस मस्जिद में जाना है, कहाँ बैठना है, तरावी और क्याम कहाँ करना है। तो इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हों और इसके लिए खूब मेहनत करें इन रातों में। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की निस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते थे। और इस रात की एक मखसूस दुआ भी है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफुवन तुहिब्बुल अफ्वा फाफु अन्नी, ए अल्लाह तू खूब माफ करने वाला है, माफ करने को पसंद भी करता है, लिहाजा मुझे माफ फरमा दे। आपको मालूम है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो कहा आमीन, दूसरी पर रखा, तीसरी पर रखा, तो लोगों ने फरिश्ते को तो नहीं देखा लेकिन आप सुन रहे थे कि जिब्रील क्या कह रहे हैं। तो लोगों ने अर्ज किया कि आपने किस बात पे आमीन कहा, तो आपने तीन बातें फरमाई जिनमें से एक ये थी कि जो शख्स रमजान का महीना पाए और अपने गुनाह ना बख्शवा सके उस पर अल्लाह की फरिश्तों की सारी मखलूक की लानत है। तो इसलिए जो भी हम रमजान में करते रहे, जो कमी कोताही हुई, अब आखिरी चंद दिन जो रह गए हैं उनमें खूब खूब इस पर तवज्जो दी जाए और खूब खूब अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार किया जाए, माफी मांगी जाए और आइंदा जिंदगी की बेहतरी के लिए अल्लाह ही से रहनुमाई ली जाए। सूरतुल बय्यिना, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة, اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں درست تحریریں ہیں اور جو لوگ کتاب دیے گئے تھے اپنے پاس کھلی دلیل آ جانے کے بعد متفرق ہو گئے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں जो अहले किताब थे यहूद और नसारा उन्होंने ईमान लाने से इनकार किया और आपस में भी इख्तलाफ किया हालांकि वो यही हुक्म दिए गए थे कि वो यकसू होकर दीन को अल्लाह के लिए खालिस करते हुए इबादत करें और नमाज कायम करें और जकात अदा करें और यही दुरुस्त दीन है। क्या? खालिस हो अल्लाह के लिए, नमाज और जकात की का एहतमाम करें। बहुत से लोग नमाज पढ़ लेते हैं जकात नहीं देते। जकात हिजरी कैलेंडर के मुताबिक अदा की जाती है, साल गुजरने पर साहिब निसाब होने की सूरत में 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी हो या इसके मुताबिक इतनी करेंसी हो चांदी के मुताबिक तो उस पर जकात वाजिब हो जाती है और वो 2.5% के हिसाब से निकाली जाती है। और जब जकात का टाइम आ जाए तो बस अपने माल से उसको अलग कर दे, यानी साल भर अपने पास रो के गरीबों को तरसा तरसा के थोड़ा थोड़ा दे कि हमने इनके मंथली बांधी हुई, मंथली किसी और चीज की बांधे और जकात मुस्तहिकों के हवाले कर दे। और कुरान ने जो 8 मकामात बताए हैं देने के, वहां वहां उनमें से किसी जगह भी आप दे सकते हैं या सब जगह थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबी वल मुशरिकीन,
बेशक अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफर किया यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत का इनकार किया, आपकी लाई हुई तालीमात का इनकार किया, वो सब जहन्नम की आग में जाएंगे, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, यही लोग बदतरीन मखलूक है। क्योंकि वो पहचानते थे कि ये हक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी उनको देख कर पहचान गए थे, जैसे नजाशी पहचान गया था और फौरन ईमान ले आया था। तो ये लोग सिर्फ जिद और हसद का शिकार होकर नहीं मान रहे थे। बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, ये लोग मखलूक में सबसे बेहतर हैं, अल्लाह उनसे राजी हो गया। जज़ाउहुम मिंद रब्बिहिम, उनके रब के यहाँ उनका बदला हमेशगी के बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, वो उनमें अबद तक हमेशा हमेशा रहने वाले हैं, अल्लाह उनसे राजी हो गया और वो उससे राजी हो गए। ये उस शख्स के लिए है जो अपने रब से डरे, यानी अल्लाह की रजामंदी सबसे बड़ी चीज है, यानी ईमान लाकर नेक अमल करने वालों से अल्लाह राजी हो जाता है, और जिससे अल्लाह राजी हो जाए उसके तो वारे न्यारे हो गए, उसको तो सभी कुछ मिल गया। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल ज़लज़ला। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, जब जमीन अपने जलजले से खूब हिला मारी जाएगी यानी जब क़यामत आएगी, और जमीन अपने बोझ बाहर निकाल देगी, इंसानों को भी निकाल देगी और उनके अमाल के जो खजाने हैं उसके पास गवाहियां हैं। वक़ाला अल-इंसानु मा लहा, और इंसान कहेगा इसे क्या हो गया। यौम इज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा, उस दिन ये अपनी सब खबरें बयान कर देगी, यानी क़यामत के दिन मुनकरे क़यामत देख के हैरान हो जाएंगे कि ये सब क्या हो रहा है, ये तो हमने कभी सोचा भी ना था, क्योंकि उनका यकीन ही नहीं था इस पर। बिअन्ना रब्बका औहा लहा, क्योंकि आपके रब ने उसे यही वही की होगी। उस दिन लोग अलग अलग होकर वापस लौटेंगे ताकि उनको उनके आमाल दिखा दिए जाएं। क़यामत का दिन किस लिए होगा? हाँ, आमाल दिखाने के लिए। याद रखिए कि हम जो कुछ भी करते हैं क़यामत के दिन वो हमारे सामने ला कर रख दिया जाएगा, क्या फिर हम उसे देखने के काबिल होंगे? खास तौर पर वो चीजें जो लोगों से छुप के करते हैं, यानी कुछ चीजें तो होती है ना जो सामने कर रहे होते फिर भी लोगों का लिहाज होता है, और अगर वो नेकियां तो लोगों की खातिर की हुई नेकियां भी कबूल कोई नहीं, और अगर वो बुराइयां हैं तो लोग उसके ऊपर उल्टे गवाह बन जाएंगे कि ये बुरे लोग थे, और ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और सब कुछ सामने लाया जाएगा, तो उस दिन हम देख कर फिर उसे कैसे डिनाई कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि उनको यही डिलीट किया जाए इस्तग़फार और तौबा के जरिए। फ़मैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा, तो जिसने एक जर्रे के बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा, यानी एक डॉट भी छुपा नहीं रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह के रास्ते में घोड़ा पाले, आजकल तो गाड़ियां आपके पास, वो उसे किसी हरियाले मैदान में या किसी बाग में बांधे तो जिस कदर भी वो उस हरियाले मैदान या बाग में चरेगा उसकी नेकियों में लिखा जाएगा। अगर उसकी रस्सी टूट जाए और घोड़ा एक या दो मरतबा आगे पांव उठाकर कूद जाए तो उसके आसारे कदम, उसका चलना और लीद भी मालिक की नेकियों में लिखे जाएंगे, क्योंकि अल्लाह के रस्ते में उसने उसको मखसूस किया हुआ था। और अगर वो घोड़ा किसी नदी से गुजरे और उसका पानी पिए, खा मालिक ने पिलाने का इरादा ना भी किया हो, तो भी ये उसकी नेकियों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो घोड़ा अल्लाह के रस्ते में काम आ रहा है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गधों के मुतल्लिक पूछा गया तो आपने फरमाया, मुझे इसके मुतल्लिक वही से कुछ नहीं बताया। आपने वही स्टॉप कर दिया, क्योंकि उसके बाद शायद बकरी के बारे में पूछा जाता या गाय के बारे में पूछा जाता। तो बात यह है कि गधे तो वो काम नहीं करते ना जो घोड़े करते हैं। वमैया अमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जिसने एक जर्रे के बराबर भी बुराई की होगी वो उसे भी देख लेगा, सामने आएंगी। सूरतुल आदियात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल आदियाति ज़बहा फल्मूरियाति क़दहा फल्मुग़ीराति सुबहा फअथरन बिही नक़अ, कसम है हांफते हुए दौड़ने वाले घोड़ों की, फिर सुम मारकर चिंगारियां निकालने वालों की, फिर सुबह सवेरे हमला करने वालों की, फिर वो उसके साथ ओबार को उड़ाते हैं, फिर वो उसके साथ दुश्मन की जमात में घुस जाते हैं। बेशक इंसान यकीनन अपने रब का बड़ा नाशुकरा है, यानी घोड़े तो अपने मालिक के फरमा बरदार हैं, वो जिधर चाहता है उन्हें दौड़ा के ले जाता और वो जाने को तैयार हो जाते हैं, जंग में भी कूद पड़ते हैं, अपनी जान भी दे देते हैं, लेकिन इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलते हुए कतराता है, अल्लाह की इताअत से कतराता है। यकीनन इंसान अपने रब का बड़ा नाशुकरा है, उसकी वैसी इबादत नहीं करता जैसी करनी चाहिए, जितना कुछ रब ने उसे दिया उसके मुकाबले में वो जवाबन कुछ नहीं दे रहा, और बेशक वो खुद इस पर गवाह है। इंसान को खुद उसका जमीर बताता है वो क्या कर रहा है, कितने पानी में है, और बेशक वो माल की मोहब्बत में बहुत शदीद है। यानी नाशुकरी का सबब क्या है?
مال کی شدید محبت جس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی حرص طمع بخل اور دیگر بری عادتیں اور پھر زیادہ سے زیادہ لالچ کے اور کمائیں اور اس میں اپنی نمازیں روزے سب کچھ کمپرومائز کیے ہوئے ہیں. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور, کیا بھلا وہ نہیں جانتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے الٹ پلٹ کر دیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں ہے اسے حاصل کر لیا جائے گا, یعنی سینوں کے خیالات بھی نکال لیے جائیں گے. بے شک اس دن ان کا رب ان کے بارے میں یقیناً خوب خبر رکھنے والا ہے. یعنی انسان اس وقت سے نہیں ڈرتا جب وہ اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوگا کہ وہ اس کو کیا جواب دے گا, جب اس کے سینے کے راز بھی سامنے آ جائیں گے اور اس کی ساری باتیں اس کے اعمال بھی سامنے کھل جائیں گے. سورۃ القارعہ, القارعہ ثم القارعہ وما ادراک ما القارعہ, کھڑکھڑا دینے والی, کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی اور آپ کو کیا معلوم کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی. یہ قیامت کا نام ہے جسے القارعہ, الطامہ, الساخہ, الحاقہ, الغاشیہ, الواقعہ, بہت سے نام ہیں قرآن مجید میں جو قرآن کو جو قیامت کے دن کو ڈسکرائب کرتے ہیں. مخلوق میں سے کوئی بھی قیامت کی اصل شدت کو نہیں جانتا, نہیں پہچانتا, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کا کچھ حال یہاں بیان کیا ہے. کھڑکھڑا دینے والی, کیا ہے وہ کھڑکھڑا دینے والی اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. اس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے, جیسے لائٹ کے اوپر پروانے آتے ہیں نا اور پھر بعد جل کے نیچے گر جاتے ہیں اور کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی یعنی کوئی ترتیب نہیں ہوگی. اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے, یعنی زمین سے اکھیڑ کر کوٹ کر باریک کر کے فضا میں بکھیر دیے جائیں گے. اب اس دن ہوگا کیا, فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُ, تو رہا وہ جس کے پلڑے بھاری ہوئے, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا, وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور رہا وہ جس کے پلڑے ہلکے ہوئے, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, تو اس کی ماں یعنی جائے پناہ ہاویہ ہوگی, یہ جہنم کا نام ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ, اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے, نارٌ حامیہ, شدید گرم آگ ہے. یعنی وہ ہاویہ صرف ایک بڑا گہرا گڑھا ہی نہیں بلکہ آگ سے بھرا ہوا گڑھا ہے جو سخت گرم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70ویں حصے میں سے ایک ہے, یعنی 69 ٹائم زیادہ ہے جہنم کی آگ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اب دیکھیں ایک لمحے کے لیے آگ تو کیا پانی ابلتے پانی کی بھاپ برداشت نہیں ہوتی, جلا کے رکھ دیتی ہے, تو کہاں آگ. اللہ بچا کر کثرت سے کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچا لے اور ہمیں ان کاموں کو چھوڑنے کی توفیق دے جو اس کی طرف لے جانے والے ہیں. سورۃ التکاثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہاکم التکاثر, ایک دوسرے سے بڑھ کر مال کی کثرت کی طلب نے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا, یعنی مال سے اتنا لگاؤ اتنی دلچسپی کہ تم باقی چیزوں سے اللہ کے حقوق سے غافل ہو گئے. تو یعنی مال اور اولاد میں مشغولیت پر ایک طرح سے ڈانٹ ہے. تکاثر کہتے ہیں مال و اولاد کی کثرت پہ فخر کرنا, یعنی لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس مال زیادہ ہے, کوئی کہتا ہے ہماری اولاد بہت اچھی قابل ہے, میرا مال میرا مال. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں تمہارے بارے میں فخر سے نہیں ڈرتا مگر میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو گے. اور آج آپ مقابلہ بازی دیکھیں خاندانوں کے اندر, حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے, ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے, یعنی موت آئے گی تو ساری غفلتیں ختم ہو جائیں گی اور غفلت کا انجام بھی نظر آ جائے گا. ثم کلا سوف تعلمون, پھر ہرگز نہیں ان قریب تم جان لو گے, ہرگز نہیں, کاش تم یقینی طور پر جان لیتے, کاش تمہیں پتا چل جاتا. کس بات کا؟ کہ مسلمان اور کافر ہر انسان جہنم کو دیکھے گا, بلکہ وہ جو پل ہے جس کو پل صراط کہا جاتا ہے وہ جہنم کے اوپر ہی نصب کیا جائے گا, اور جنت میں جانے والے بھی اس پل کے اوپر سے ہی گزر کے جنت میں جائیں گے. سورۃ مریم میں آتا ہے, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اس کے اوپر وارد نہ ہو, اور جس کے عمل اچھے ہوں گے وہ تو تیزی سے گزر جائیں گے, اور جنہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی کی ہوگی, امانتوں میں خیانت کی ہوگی, وہ کٹ کے وہیں نیچے جہنم میں جا گریں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکالے جائیں گے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھ لو گے, پھر یقیناً تم اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. اب دیکھیں دنیا میں کوئی بھیانک منظر نظر آتا ہے نا, انسان اپنی نگاہیں پھیر لیتا ہے, دیکھنا نہیں چاہتا, تو وہاں انسان کو یہ دن دیکھنا ہوگا, تو اس کی تیاری کر کے رکھنی چاہیے کہ وہ دیکھنا بہت گھبراہٹ کا وقت نہ ہو, بس تیزی سے ایک لمحے کے لیے دیکھیں اور آگے گزر جائیں.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم, پھر اس دن تم نعمتوں کے بارے میں, راحتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے کہ دنیا میں تم نے ان کا شکر ادا کیا یا نہیں, نعمتیں خواہ معمولی ہی کیوں نہ ہو, ان کا بھی سوال ہوگا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ عنہ نے پوچھا, یا رسول اللہ ہم سے کن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا جبکہ ہمارے پاس تو صرف دو کالی چیزیں, کھجور اور پانی ہے؟ آپ نے فرمایا, آگاہ رہو, یہ سوال ضرور ہوگا. یعنی چاہے آپ کے پاس صرف کھجور پانی ہے روزہ کھولنے کے لیے, اس وقت تو شاید پانی کے ساتھ ہمارے آنسو بھی گرے کہ ہمارے پاس کچھ اور کھانے کو نہیں, لیکن ان کو بھی کھا کے شکر ادا کرنا چاہیے. یعنی پوچھا جائے گا کیا کہ جو نعمتیں دی تھی ان کا شکر ادا کیا تھا یا نہیں. اور یاد رکھیے, جو شکوے شکایتیں ہوتی ہیں اور ہر وقت مصیبتوں کا رونا دھونا, یہ شکر کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے, تو اس سے بچنا چاہیے. پھر اسی طرح تندرست جسم اور ٹھنڈے پانی کی نعمت کے بارے میں بھی سوال ہوگا. سورۃ العصر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم ہے زمانے کی, بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, سارے انسان باقی نقصان میں ہیں. نیک اعمال کیے بغیر, ایمان لا کے نیک اعمال کے بغیر خسارہ ہی خسارہ ہے. اور کیا چاہیے؟ اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے, امر بالمعروف, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. یعنی جب کوئی شخص ہمت ہارنے لگے, مایوس ہونے لگے, تو اس کو گرنے نہ دیں, اس کو صبر کی تلقین کریں, اس کو حوصلہ دلائیں, انکریج کریں, اس کو اٹھا لیں. یعنی مسلمان جو مسلمان کے لیے ایک مضبوط سہارا بھی ہے, وہ اس کو گرنے نہیں دیتا, پیچھے نہیں جانے دیتا. بعض لوگ ہوتے ہیں نیکیوں میں بہت آگے ہوتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے مشکلات آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پیچھے رہنے لگتے ہیں, تو ان کی پوچھ پرسش کرتے رہیں اور ان کو ساتھ لے کے چلیں. تو یہاں پر آپ دیکھیں, حضرت امام شافعی کہتے ہیں, اگر لوگ اس سورت پر غور کر لیں تو یہی سورت انہیں کافی ہو جائے. اور اس کے چار درجات ہیں. نمبر ایک, حق کو معلوم کرنا. نمبر دو, اس پر عمل کرنا. نمبر تین, حق کو سکھانا, جو اس کو نہیں جانتا اس کو بتانا. اور نمبر چار, حق کو سیکھنے, اس پر عمل کرنے اور اس کو سکھانے میں صبر کرنا اور صبر کی تلقین کرنا. سورۃ الہمزہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ویل لکل ہمزۃ اللمزہ الذی جمع مالا وعددہ, بڑی ہلاکت ہے ہر بہت تانا دینے والے, عیب لگانے والے کے لیے, وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. اوپر کون لوگ ہیں کامیاب ہونے والے؟ جو حق کی بات کرتے ہیں, حق کی تلقین کرتے ہیں, علم سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, اس کا پرچار کرتے ہیں, اور لوگ گرنے لگے تو ان کو تھام لیتے ہیں. اور یہاں وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو تانے دیتے ہیں, بد زبانی کرتے ہیں, بد اخلاقی برتتے ہیں, گالی گلوچ کرتے ہیں, عیب لگاتے ہیں, دوسروں کی الزام تراشی کرتے ہیں. تو ایک طرف ان کی یہ خرابیاں, اور دوسری طرف ساری توجہ کس پہ لگی ہوئی ہے؟ الذی جمع مالا وعددہ, وہ جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. ہمزہ وہ شخص ہوتا ہے جو رو در رو برائی کرے, سامنے منہ پہ تانے دے. اور لمزہ وہ جو پیٹ پیچھے غیبت کرے. اور بعض کہتے ہیں ہمز آنکھوں اور ہاتھوں کے اشارے سے برائی کرنا, اور لمز زبان سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے, کیونکہ اس برائی سے بچنا, غیبت کی برائی سے, تانا دینے کی برائی سے بچنا ایک جہاد سے کم نہیں. یحسب ان مالہ اخلدا, وہ سمجھتا ہے کہ بے شک اس کا مال اسے ہمیشگی بخشے گا. یعنی مال ہی, دنیا میں بھی مال فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی دے گا. لیکن کتنی دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان مال کے پیچھے دوڑتا رہتا ہے تاکہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے, اور اس نے اپنی آخرت کے لیے کچھ تیار نہیں کیا ہوتا, اور وہاں اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آتا. ہرگز نہیں, وہ ضرور حطما میں, یعنی توڑ پھوڑ دینے والی میں ڈالا جائے گا. یعنی مال انسان کو موت سے نہیں بچا سکتا, اور برے اعمال کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ حطما بنے گی جو اس کو توڑ پھوڑ دے گی. اور یہ برے اعمال, خاص طور پر زبان کے اعمال کے, جس میں انسان دوسرے انسانوں کو اذیت دیتا ہے. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ, اور آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تتلع علی الافدہ, جو دلوں پر چڑھ آئے گی یا چڑھ آتی ہے. دلوں کو کیوں پکڑے گی آگ؟ ساری خرابیوں کی جڑ ہی تو دل ہے. جب ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہوتی ہے تو پھر زبان بھی وہ نفرت اگلتی ہے. تو اس لیے نفس کا تزکیہ, دل کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہم اخلاقی برائیوں سے بچیں. انہا علیہم مؤصدہ فی امد ممددہ, بے شک وہ ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی, لمبے لمبے ستونوں میں. استغفراللہ.
आप देखिए कि कभी ओवन में आपने कुछ पकाया होगा, कुछ रोस्ट किया होगा, कुछ बेक किया होगा, जब खूब तप जाता है ओवन, तो आप क्या करते हैं, जल्दी से चीज डाल के और उसके अपने हाथों के लिए ग्लव्स चढ़ाते हैं कि कोई भाप वगैरह ना लगे और बंद कर दे। उस बंद करने में वो सब कुछ अंदर पक जाता है, बाजू का जल भी जाता है। तो जहन्नम का एक और नक्शा बताया जा रहा है कि लोगों को उसमें लंबे लंबे फर्नेसेस में बंद करके ऊपर से ढक दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरतुल फील। अलम तर कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, अलम यजअल कैदहुम फी तदलील। क्या आपने देखा नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया, क्या उसने उनकी चाल को अकारत नहीं कर दिया। इस सूरत में अल्लाह ताला ने अहले मक्का पर अपने एक एहसान का जिक्र किया है कि किस मौजज़ाना तरीके से उसने बैतुल्लाह की हिफाजत की और उसको गिराने वाले अबरा और उसके लश्कर को तबाह कर दिया और उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए जो उन पर सख्त मट्टी के पत्थर फेंकते थे तो उसने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सूरत कुरैश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीलाफ कुरैश, ईलाफहिम रहलतश्शिताइ वस्सैफ। कुरैश को मानूस करने के लिए सर्दी और गर्मी के सफर से उनका मानूस किया जाना। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, बस चाहिए कि वो इस घर के रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ, जिसने इन्हें भूख में खिलाया और खौफ से अमन दिया। क्योंकि कुरैश आपका खानदान था और आपको वही सबसे ज्यादा आपकी मुखालफत कर रहा था, तो उन पर अल्लाह ने जो एहसानात किए थे कि उनके लिए सारे अरब के रास्ते जो दूसरे लोगों के लिए मशक्कत वाले थे इनके लिए आसान कर दिए, कि इनका सब कबीले इनका एहतराम करते थे, इनके लिए लूट मार नहीं करते थे, और बैतुल्लाह शरीफ बनाया जो इनके लिए दुनियावी नेमतों का एक जरिया था, तो उनको मानूस कर किया जा रहा है कि क्या तुम अपने रब का, अपने रब के रसूल की बात नहीं मानोगे जिसने तुम पर इतने एहसानात किए और अमन वाली जगह दी। सूरतुल माउन। अरायत अल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फज़ालिकल लज़ी यदुउल यतीम, क्या आपने उस शख्स को देखा जो सजा के दिन को झुठलाता है, यानी क़यामत के दिन को झुठलाता, मानता ही नहीं, तो यही वो शख्स है जो यतीम को धक्के देता है, क्योंकि उसको अपने किए की पकड़, अपने किए के अंजाम का नहीं पता, लिहाजा वो मजलूम तबकात के ऊपर जुल्म ढाता है, यानी महरूम तबकात पे जुल्म ढाता है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं उसको। और ये एक हकीकत है, जिस इंसान को आखिरत में जवाबदेही की फिक्र नहीं, फिर उस इंसान के सारे मामला दुरुस्त नहीं हो सकते। नेकी और तकवा की बुनियाद ही आखिरत का यकीन है कि जजा सजा का एक दिन होगा और उस दिन अल्लाह के सामने हाजिर होना होगा। क़यामत के दिन आमाल की जजा को जुटलाने की वजह से इंसान के अंदर एक संग दिली और शकावत पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में इंसान किसी यतीम से हमदर्दी नहीं करता। वला यहुद्दु अला ताअमिल मिस्कीन, और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब नहीं देता, यानी खुद भी नहीं खिलाता औरों को भी खिलाने के लिए नहीं कहता। ववैलुल लिल मुसल्लीन, बस हलाकत है उन नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। नमाजों से गाफिल, जी हाँ, कामों में इतने मसरूफ हैं दुनिया के कि नमाज का वक्त दाखिल हो गया है या निकलने वाला, उनको परवाह ही नहीं। तो वो पढ़ते भी हैं तो पढ़ के भी उनका कुछ हाल नहीं, नमाजों से गाफिल है, लिहाजा उनके लिए हलाकत है। जब नमाज का वक्त हो जाए सब कुछ छोड़कर नमाज की तरफ चले। थोड़ी बहुत ताखीर हो सकती है, लेकिन ये नहीं कि सूरज गुरूब होने लगे तो आप उस वक्त नमाज शुरू कर दें असर की। नमाज हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि वो कामयाबी का रास्ता है। हैया अलस सला और हैया अलल फला। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अल्लज़ीना हुम युराउन, वो लोग जो रियाकारी करते हैं, जी ये नमाज पढ़ के भी नहीं पढ़ने वाले। अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक एक आदमी 60 साल नमाज पढ़ता रहता है लेकिन उसकी नमाज कबूल नहीं होती, शायद कि उसकी वजह यह हो कि वो रुकू तो पूरे करता है लेकिन सजदे मुकम्मल नहीं करता, बस ठोंगा मार के उठ जाता है, या सजदा पूरा करता है लेकिन रुकू में पूरी तरह झुकता नहीं। याद रखिए, रुकू की पोजीशन इस तरह आई है जैसे आप सीधे खड़े हैं, तो रुकू जो है इस तरह आपकी कमर झुक जानी चाहिए कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, सर भी उसके बराबर हो, सर भी नहीं झुका होना चाहिए, यानी आप ना तो ऐसे पढ़े और ना ऐसे पढ़े बल्कि सीधी कमर रखें। तो आप इंशाल्लाह, हम नमाज की वर्कशॉप भी जल्द अनाउंस करेंगे, तो जरूर उसमें शरीक हो, औरों को भी दावत दें ताकि हम जो पढ़ रहे हैं वो अपनी नमाजों का तरीका दुरुस्त करें, क्योंकि अल्लाह सुबहानु ताला ने एक प्रोटोकॉल रखा है कि इस तरीके से आओगे मेरे पास तो तुम्हारा ये अमल कबूल होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ایک دفعہ نماز سے فارغ ہو کے فرمایا، اے مسلمانوں کی جماعت، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جس نے رکوع اور سجود میں اپنی پشت کو سیدھا نہیں رکھا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، اور استعمال کی معمولی چیزیں روکتے ہیں۔ معون جو ہے وہ عام ضرورت کی چیزوں کو کہتے ہیں، گھر میں برتنے کی چیزیں، یعنی ایسی چیز جو کوئی استعمال کر کے پھر واپس لے آئے گا۔ تو ایسے بخیل ہیں یہ لوگ جو آخرت کو نہیں مانتے کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور حوض کوثر، کوثر ایک نہر بھی ہے اور حوض بھی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جائے گا قیامت کے دن۔ فصل لربک وانحر، انا اعطیناک الکوثر، فصل لربک وانحر، چونکہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی تو آپ کیا کریں، اس کے جواب میں شکر کیسے ادا کریں، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ دو کام کیجئے اپنے رب کی خاطر، یعنی صرف نماز پڑھنے اور قربانی کا حکم نہیں، رب کی خاطر کرنے کا حکم ہے۔ یہ دونوں کام، یہ نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ ہم قربانی کب کرتے ہیں؟ جب کوئی مصیبت آتی ہے۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو قربانی کرو شکر ادا کرنے کے لیے، اسی لیے عید الاضحیٰ پہ قربانیاں کی جاتی ہیں، اسی لیے رمضان کے آخر میں آپ وہ دیتے ہیں فطرانہ، کہ ایک طرح سے شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ اور رمضان کی ہر رات کو اب آپ نے صدقہ کرنا ہے انشاءاللہ، جس بھی مسجد میں جائیں، جہاں بھی آپ ہو، یا آپ تو آن لائن بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، تاکہ اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ ہو۔ ان شانیک ہو الابتر، جو شخص یہ دو کام کرتا رہے گا، نماز اور قربانی، یعنی اللہ کے راہ میں دینے کا، وہ اس کا دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا، وہ ابتر ہی ہو کر رہے گا، جڑ ہی اس کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔ سورۃ الکافرون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آپ کہہ دیجئے اے کافرو، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تو پھر کیا کیجئے، کوئی غرور اور فخر اور تکبر نہیں، فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ جب مکہ فتح ہو جائے اور قبائل کے قبائل مسلمان ہونے لگیں، تو آپ اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے۔ مسلمان کو یہی تعلیم دی جاتی کہ جب اسے زندگی میں کامیابی ملے تو اس کو کریڈٹ خود نہ لے، رب کو دے، اور رب کا شکر ادا کرے اور رب کی طرف رغبت کرے۔ سورۃ المسد، ایک طرف جہاں کامیابی ہوئی، دوسری طرف دشمنوں کی ناکامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنا عنہ ماله وما کسب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہلاک ہوا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کچھ کام نہ آیا، برباد ہوا، کیونکہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، باوجود اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، رشتہ داری کا بھی حق تھا، وہ بھی نہیں دیا، اور سب سے بڑھ کے مخالفت کی، اور ساتھ بیوی بھی شامل تھی، وہ اپنا قیمتی ہار اس پہ ہاتھ رکھ رکھ کے کہتی تھی کہ یہ میں محمد کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی، نہیں ان کو ستانے کے لیے۔ اور آپ کے ہمسائے بھی تھے، آپ کی دو بیٹیوں کا رشتہ بھی کیا ہوا تھا اپنے بیٹوں کے ساتھ، اتنا قریبی تعلق تھا، لیکن جب آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سخت دشمن ہو گئے، اور آپ کے دروازے پہ لا کے کانٹے وغیرہ بکھیرتی تھی وہ ابو لہب کی جو بیوی تھی، لہذا دونوں کا برا انجام بتایا گیا۔ ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہلاک ہوا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا تھا اس کے کچھ کام نہ آیا، ان قریب وہ شعلے والی آگ میں جلے گا، اور اس کی بیوی بھی جو ایندھن اٹھانے والی ہے، اس کی گردن میں بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ سورۃ الاخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، اور کوئی بھی اس کے برابر کا نہیں۔ عبی ابن کعب کہتے ہیں، مشرکین نے کہا اے محمد ہمارے لیے اپنے رب کا نسب نامہ بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل کر دی کہ اللہ تو ایک ہے،
ना उसका कोई बच्चा है और ना वो किसी का बेटा है, ना वो किसी की औलाद है ना उसकी कोई औलाद है, उस जैसा तो कोई है ही नहीं। ये सूरत एक तिहाई कुरान के बराबर है, यानी तौहीद का सबक है इसमें। जो इससे मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, और इसमें अल्लाह सुबहान तआला को हर तरह की औलाद और शरीक से पाक करार दिया गया है। और इसके पढ़ने की भी बहुत ताकीद की गई, सुबह और शाम तीन तीन दफा इसको पढ़ने वाला जो है, और फिर इसके अलावा मौबज़तैन को, वो हर तरह के शर से महफूज रहता है। और इसी तरह रात को सोते हुए भी पढ़ना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों पर पोंख कर पूरे जिस्म पे खुद दम किया करते थे। सूरतुल फलक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। आप कह दीजिए, मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, यानी आज के दिन जो भी कोई शर है मैं उससे बचने के लिए अपने रब की पनाह लेता हूँ। सूरत और फलक और अन्नास जो है, ये दो ऐसी सूरतें हैं कि जो बेमिसाल हैं। तमाम जिस्मानी रूहानी आफात बीमारियों से बचाने और दूर करने में बहुत मुअस्सर हैं, और पनाह के बाब में बेमिसल सूरतें हैं। सबसे बेहतरीन चीज जिससे कोई पनाह लेने वाला पनाह ले वो ये दो सूरतें हैं, और हर चीज से किफायत करने वाली है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में भी इनकी किरात करते थे, रात को सोते वक्त भी पढ़ते थे, बीमारी में इन सूरतों को पढ़कर दम करते थे। आप कह दीजिए, मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ उस चीज के शर से जो उसने पैदा की, और अंधेरी रात के शर से जब वो फैल जाए, क्योंकि अंधेरे में बहुत सी खराबियां होती हैं, बहुत से खतरात होते हैं, बहुत सा शर होता है, और गिरोह में फूके मारने वालियों के शर से। وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ, और हासिद के शर से जब वो हसद करे, यानी जो आपसे हसद करे आप उससे लड़ाई नहीं कर सकते जाके, और बाज़ुकत तो लोगों को पता भी नहीं होता कि आप कौन, आपके लिए क्या जज्बात रखता है, वो आपके माल से, औलाद से, आपके आपको जो भी अल्लाह ने नेमते दिए उनसे वो हसद करते हैं, और हसद बरहक है, और इस वजह से फिर वो नजर भी लगती है क्योंकि नजर भी बरहक है। असल में हासिद के जिस्म के जब वो जलता है ना हसद की आग में, तो उसके अंदर ऐसी केमिकल चेंजेस आती हैं कि जो उसकी निगाहों के जरिए रिलीज होकर दूसरे को जाके हिट करती है और उसको तकलीफ हो जाती है। तो हमें हसद करने से मना किया गया। अगर किसी की कोई नेमत देखे तो अल्लाह से उसका फजल मांगे, अल्लाह हमें भी अता कर, बजाय इसके कि हम किसी की नेमत का जवाल चाहें। और हसद के कई दर्जात हैं। एक ये होता है कि इंसान ये तमन्ना करे कि किसी की नेमत छिन जाए, और बास की कोशिश होती है कि उससे छिन के मुझे मिल जाए, और बास को इससे गर्ज नहीं होती कि वो छिने के ना छिने, वो इस पर खुश होते हैं कि उन्हें मिल जाए, और या इस पर खुश होते हैं कि दूसरे के पास नेमत नहीं रही। तो इसके कई दर्जे हैं। सूरत अन्नास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس। आप कह दीजिए, मैं पनाह लेता हूँ इंसानों के रब की, इंसानों के बादशाह की, इंसानों के माबूद की, किस बात से? वसवसा डालने वाले के शर से, जो बार बार पलट कर आता है, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है, वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से, यानी दोनों ही वसवसे डालते हैं, यानी शयातीन। शयातीन इंसानों में से भी होते हैं और जिन्नों में से भी, जो बुरे ख्यालात आपके दिल में डालते हैं। तो वसवसा डालने वाले के शर से बचने के लिए अल्लाह ताला की तीन सिफात के साथ पनाह पकड़ी गई है कि हम इससे बचें, क्योंकि शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हम नेकी करना चाहते हैं, वो आके वसवसा डालते हैं, क्या जरूरत है नेकी करने की, फुला तो ऐसा और फुला ऐसा है, लोगों की बेशुमार बुराइयां हमारे सामने ले आता है, लिहाजा हम खैर के काम से पीछे रुक जाते हैं। तो आप देखिए कि ये कुरान की सबसे आखिरी सूरत रखी गई कि नेकी के काम में रुकावट आएगी तो शैतान की तरफ से ही आएगी, लिहाजा उससे बचने के लिए अल्लाह की पनाह पकड़ो, और वसवसा डालने वाले के शर से अल्लाह के कलाम के जरिए पनाह लो बचने के लिए। और फिर यह है कि वो छोड़ता नहीं, एक ख्याल एक दफा नहीं आता और गुजर आता है और फिर पलट, आप औज़ु बिल्लाह पढ़ते हैं, आप किसी और काम में लगते, फिर दोबारा वही ख्याल, फिर दोबारा वही ख्याल, और वो सीनों में वसवसे डालता है, यानी जिसके अंदर दिल है, और वो इंसानों में से भी होता है और जिन्नों में से भी होता है। यानी शैतान दो तरह के हैं, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी, और इंसानों के शैतान जिन्नों के शैतानों से भी बदतर होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा नुकसान देते हैं, सामने आके नुकसान देते हैं। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे।